नमस्कार एन के वाग्दा चैनल पर आप सभी का स्वागत है शिक्षार्थियों प्रतिदिन की तरह आज भी यह कार्यक्रम तीन बजे से लेकर पाँच बजे तक होगा जैसा कि आप जानते हैं एन आई का शैक्षिक कार्यक्रम है और इसमें डी के विभिन्न विषयों पर आपसे चर्चा होती है विशेषज्ञों के द्वारा विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार किया जाता है इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं और उसके लिए टोल फ्री नंबर है वन एट डबल जीरो वन एट ज़ीरो टू फाइव फोर थ्री ई मेल है वागदा एट एन आई ओ एस डॉट ए सी डॉट इन शिक्षार्थियों प्रतिदिन हम एक नए विषय को लेते हैं और आज मॉड्यूल फाइव जीरो थ्री के अंतर्गत हम लेखन कला के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे तो आज का विषय है प्राथमिक कक्षाओं में लेखन कला का विकास डेवलपिंग राइटिंग स्किल इन प्राइमरी क्लासेस इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नीलम कुलश्रेष्ठ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से आपका स्वागत है बहुत थैंक यू सो मच विद्यार्थियों जैसा मैंने बताया आज लेखन कला के बारे में हम बातचीत करेंगे हम जानते हैं कि लर्निंग स्किल में राइटिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है और किस तरह से बच्चों में राइटिंग स्किल विकसित की जाए उसके कौन कौन से विभिन्न सिद्धांत होते हैं ध्यान योग्य रखने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं इन सब पर आपके साथ आज चर्चा होगी तो हम चाहेंगे कि आपके मन में जो सवाल है आप सवाल भी पूछ सकते हैं तो मैम सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो चार लैंग्वेज की स्किल्स हैं स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग नॉर्मली हम राइटिंग को सबसे पहले लिखना सिखाते हैं नॉर्मल सबसे पहले बच्चा आता है उसे स्कूल में हम जो भी लेटर्स हम सिखा रहे हैं जो भी सब्जेक्ट सिखा रहे हैं तो हम वो सिखाते हैं जबकि राइटिंग इन तीनों स्किल्स के ऊपर की मतलब सबसे बड़ी एक स्किल है जिसको सीखना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है बच्चे का नर्सरी के जी में एडमिशन होता है हम उसे ए बी सी डी लिखना सिखाने लग जाते हैं जबकि होना ये चाहिए कि सबसे पहले हम उन्हें वही चीज़ें सिखाएं जो वो पहले मतलब केवल बोलना और सुनना सिखाएं लगातार अगर बच्चा बोलना और सुनना सीखता है तो धीरे धीरे साउंड्स के प्रति लेटर्स के प्रति वर्ड्स के प्रति उसका थोड़ा अलर्टनेस शुरू होती है एंड आफ्टर दैट ही शुड बी टॉट हाउ टू राइट और राइटिंग स्किल की एक और बात है कि नॉर्मली वी फील कि हमने किसी से कहा लिखो और उसने लिख दिया बट राइटिंग भी बहुत सारे सिम्बल्स बहुत सारी साउंड्स बहुत सारे मीनिंग्स इन सबको मिला के हम जाके और इतना आसान स्किल नहीं है जितनी ये समझी जाती है बहुत पूरी लोग ज़िंदगी लगा देते हैं जो कंटेंट राइटर्स वगैरह होते हैं बड़े राइटर्स हैं जर्नलिस्ट हैं दे गिव अवे देयर लाइफ टू बी एबल टू प्रोड्यूस अ वेरी गुड पीस ऑफ राइटिंग सो राइटिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और इसको बहुत पेशेंटली सिखाना है कोई जल्दीबाजी नहीं है कि एक दिन में तीन लेटर एक दिन में चार लेटर आज ये पेज करना जितनी है आज इतनी लाइने भरनी है सो so, इसको बोरिंग काम ना बना के बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमें क्लासेस में कराना है और स्पेशली जो हमारी प्राइमरी क्लासेस हैं जो छोटी क्लासेस हैं वहाँ पे हमें इसको ज़्यादा अच्छे से कराना है स्टूडेंट्स को क्योंकि अगर एक बेस बन जाता है तो आगे जाके बच्चे के लिए बहुत आसानी रहती है सो so, आज हम समझेंगे सबसे पहले तो कि राइटिंग है क्या राइटिंग स्किल्स क्या हैं और हम कैसे राइटिंग बच्चों को सिखा सकते हैं और हम ऐसा क्या करें कि राइटिंग के जो अलग अलग आयाम हैं अलग अलग टॉपिक्स हैं अलग अलग एरियाज़ हैं उनमें महारत हासिल कर सकें हमारे लर्नर्स तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि राइटिंग का मीनिंग क्या है सो तो बहुत सारे सिंबल्स और उनको कैसे साउंड उनकी प्रोड्यूस होगी उनके कैसे कॉम्बिनेशन होगा क्या स्पेलिंग होगी हर लेटर को हम किस तरह से लिखेंगे इन सब को मिला के हमारा एक राइटिंग प्रोसेस होती है और राइटिंग की जो प्रोसेस है ये इतनी पुरानी नहीं है जितनी इंसान के लिए स्पीकिंग एंड लिसनिंग है कंपैरेटिवली इट्स अ न्यू फॉर्म क्योंकि सबसे पहले इंसान ने बोलना सीखा और उसके बाद समझना और राइटिंग बहुत बाद में आई और राइटिंग एंड रीडिंग दोनों पैरेलल चलते हैं तो रीडिंग में लेकिन अलग स्किल्स यूज़ होंगे और राइटिंग में एकदम से अलग स्किल्स होंगे और राइटिंग में कौन से स्किल्स हम यूज़ करेंगे कैसे हम करेंगे कौन से सब स्किल्स यूज़ होंगे इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे जिससे जो हमारे टीचर्स हैं स्पेशली प्राइमरी क्लासेस के जो टीचर्स हैं दे आर एबल टू कॉन्फिडेंटली ट्रेन द लर्नर्स अबाउट द राइटिंग स्किल्स सो हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ राइटिंग uh, सो so, एक तो आज के बाद हमारे मतलब इस लेसन के बाद आ, हमारे जो लर्नर्स हैं जो स्टूडियो अपने यहाँ घरों में बैठे हुए हैं तो दे विल बी एबल टू नो व्हाट इज़ राइटिंग नंबर वन और सेकेंडली वो ये भी समझ पाएंगे कि गुड राइटिंग क्या है यहाँ गुड राइटिंग के दोनों अर्थ हैं एक तो गुड हैंड राइटिंग क्या है किस राइटिंग को हम गुड हैंड राइटिंग कहेंगे और दूसरा किस राइटअप uh, को हम कहेंगे कि ये अच्छा पीस है असेसमेंट की नज़र से भी और पढ़ने की दृष्टि से भी हम कब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा लिखा है और दूसरा हम ये भी समझ पाएंगे कि राइटिंग की अलग अलग फॉर्म्स कौन सी होती हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको राइटिंग के प्रति एक स्किल भी हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे आज के लेसन के बाद क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स बड़े भी राइटिंग के नाम से थोड़ा कतराते हैं अगर उनसे कहो कि ये रिपोर्ट लिख लाओ अप्लीकेशन लिख लाओ जो आपकी प्रॉब्लम्स है लिख लाओ तो वो नॉर्मली वापस ही नहीं आते हैं वो चुपचाप से चले जाते हैं कि लिख के कौन दे लेकिन अगर अच्छी लर्निंग मिली है अच्छे टीचर्स उनको मिले हैं और इस स्किल को उन्होंने इस स्किल को उन्होंने खूब अच्छे से रिफ़ाइन किया है तो देयर इज़ नो रीज़न दैट दे विल नॉट राइट ऑन देयर ओन बहुत बार देखा है कि लोग आ, राइटिंग का जब काम आता है तो या तो उन लोगों को दे देते हैं जिनको उन्हें लगता है कि राइटिंग आती है और या फिर रफ़ लिखेंगे कई बार काटेंगे फिर फेयर करेंगे सो दे टेक अ लॉट ऑफ देयर टाइम एंड इवन देन दे आर नॉट कॉन्फिडेंट सो आज के हमारे इस लेसन और प्रेजेंटेशन के बाद द लर्नर्स वे बी एबल टू कॉन्फिडेंटली राइट सेकेंडली एज अ टीचर देल बी एबल टू ट्रेन देयर लर्नर्स इन राइटिंग स्किल्स और राइटिंग में हमें सबसे पहले समझना है कि राइटिंग है क्या सो so, इसमें बहुत सारे सिम्बल्स और मार्क्स जिनको हमने लेटर्स का नाम दिया है नंबर वन सो एक बच्चे को और उसमें भी एक और बहुत मज़ेदार बात है कि जैसे जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो अलग अलग स्क्रिप्ट होती हैं सो so, एक लेटर अगर हम प्रिंट में लिख रहे हैं तो कैसे लिखा जाएगा या कर्सिप में हम कैसे लिख रहे हैं तो ये सब सिंबल्स हैं बहुत सारे और लर्नर्स को ये सिंबल समझने होंगे और दूसरा इन सिंबल्स को जब हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट लेटर्स को जब हम एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं व्हेन दे बिकम अ वर्ड नेचुरली व्हेन दीज लेटर्स आर अरेंज इन अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन दे बिकम अ वर्ड एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स बिकम्स अ सेंटेंस सो हाउ टू अरेंज देम इन अ सेंटेंस हाउ टू अरेंज देम इन अ वर्ड हाउ टू रिटेन द स्पेलिंग्स दिस ऑल इज़ अ टफ जॉब सो द टीचर्स हैव रियली टू वर्क वेरी हार्ड इनिशियली टू ट्रेन देम हाउ टू फॉर्म अ पर्टिकुलर लेटर देन हाउ टू आइडेंटिफाई कि जो लिखा हुआ है ये कौन सा लेटर लिखा हुआ है फिर जब वो लिखने लग रहे हैं तो स्पेलिंग्स उन्होंने ठीक लिखी हैं तो हो सकता है कि अगर वो स्पेलिंग गलत लिख देंगे तो मीनिंग विल गेट चेंज एंड देन दे शुड नो कि अगर मैंने ये सेंटेंस बनाया तो इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी देन दे शुड ऑल्सो नो वॉट इज द पंक्चुएशन सो so, पंक्चुएशन अगर उन्होंने नहीं किया है तो राइटिंग इज़ इनकम्प्लीट राधर पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो राइटिंग का एक यूनिक फीचर है कि जो रिटन में है वहाँ हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं स्पोकन में रीडिंग और लिसनिंग में इतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना कि हम राइटिंग में वी आर एबल टू शो दोज सिम्बल्स फॉर पंक्चुएशन सो राइटिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ मेकिंग सिम्बल्स एंड मार्क्स ऑन अ सर्फिस विच कैन बी अंडरस्टुड बाय अनदर पर्सन राइटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो मैंने लिखा और वो दूसरे देश में दूसरी कल्चर का कोई भी व्यक्ति पढ़े दैट पर्सन शुड बी एबल टू डेसिफर दैट पर्सन शुड भी एबल टू नो वॉट इज रिटन सो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑल अराउंड अगर हम एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सारे उस लैंग्वेज को जानने वाले लोग वहाँ लेटर्स को उसी तरह से लिखें स्पेलिंग सेम होनी चाहिए राइटिंग so, का एक बहुत बड़ा फीचर है कि स्पेलिंग सेम होनी चाहिए इसमें एक चीज जो स्कूलों में देखने में आई हिंदी के बारे में जी की निबंध लेखन हर जगह होता है पाठ्यक्रम जी, जी, में बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बच्चे किसी क्रम में नहीं लिखते वो क्या लिख रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है जो जो विचार आता गया लिखते गए जी तो जो अभी आप कह रहे थे कि, कि कम्युनिकेट होना चाहिए मुश्किल ये हो रही है कि क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सिखाए उन्होंने जी दरअसल तो, राइटिंग को एज ए प्रोडक्ट हम सिखाते हैं और राइटिंग इज़ अ प्रोसेस अगर हम एज ए प्रोडक्ट सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं हम बच्चे को कहते हैं कि कल एक लेटर लिख लाना कल एक ऐसे लिख लाना डॉग पे टेन लाइंस लिख लाना माई एनिमल पे फाइव सेंटेंसेस लिख लाना सो वी आर नॉट ट्रेनिंग हिम हाउ टू राइट तो अगर हम उन्हें सिखाएं ये अभी हम आगे भी इस पर बात करेंगे अगर हम उन्हें सिखाएं कि लिखने के क्या क्या स्टेप्स हैं स्टेप वाइज और सिखाते समय भी अगर हम उन्हें स्टेप्स को ही फॉलो करें तो कोई कारण नहीं है कि स्टूडेंट्स आर स्केय और वो गलत सलत लिखें क्या करते हैं कई दफ़ा एक ही लाइन को तरह तरह से लिखेंगे जैसे अगर उन्हें कहना है कि फेस्टिवल्स uh, के बारे में लिखना है तो इंडिया इज़ कंट्री ऑफ वे फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड देन सेकेंड सेंटेंस में लिखेंगे इंडिया इज़ अ लैंड वेयर मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थर्ड में लिखेंगे फेस्टिवल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन इंडिया बेसिकली वो कुछ नहीं कह रहे सेम बात कह रहे हैं तो हमें उन्हें बताना है और ये भी हम आज सिखाएंगे कि कैसे हम काम करें कि एक ही बात को तरह तरह से ना कह रहे हैं वी शुड मूव फॉरवर्ड और वो मूव फॉरवर्ड के लिए क्या स्टेप्स हम करेंगे कैसे अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे जब हम बोलते हैं तो हम जो हमारे पास आता जाता है जो हमें विचार में आता जाता है वी कैन कीप ऑन तो राइटिंग का ये एक फ़ायदा है कि राइटिंग में हम एडिट कर सकते हैं फिर से सोच सकते हैं लाइनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं अब बोलने में तो कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया तो उस वक्त आप कुछ भी कर लें वो तो आप पे बोल चुके चाहे आप सॉरी भी बोल दें कुछ भी बात कर दें बट इट हैज़ बीन डन बट जब आप राइटिंग का काम कर रहे हैं तो राइटिंग का प्रवलेज ये बहुत बड़ा है राइटिंग में यू हैव द राइट टू करेक्ट इट और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आप उसे करेक्ट कर सकते हैं और राइटिंग हमें गाइड करती है हाउ टू रीड समथिंग अगर हमारे पास रिटर्न सिंबल्स नहीं है तो जो किसी एक ने बोला वो उसकी बात ख़त्म और राइटिंग के थ्रू तो हम उसे प्रिजर्व करते हैं और उस कला को उस अच्छी लैंग्वेज को किसी राइटर ने बहुत अच्छी कोटेशंस लिखी हैं उनको हम सेंचुरीज़ तक आगे लेके जाते हैं सो so, राइटिंग एक तरह से हमारा एक परमानेंट चीज़ बन जाती है जबकि स्पोकन के लिए ठीक है आज के टाइम में हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत सारे ऐसी हमें टेक्निक्स मिल गई हैं टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हुआ है कि वी आर एबल टू रिकॉर्ड द वॉइस ऑफ अ पर्सन पर कितना हम रिकॉर्ड कर सकते हैं देर इज़ अ लिमिट एंड देर इज़ अ टाइम ड्यूरेशन ऑल्सो सो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे पुरानी पिक्चर्स आ रही होती हैं तो उनमें बहुत साउंड ट्रैक में डिस्टर्बेंसेज आते हैं पर राइटिंग में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और राइटिंग की एक और अच्छी बात है कि वी कैन हैव मल्टीपल कॉपीज अगर हमने कोई एक चीज लिखी है उसकी हजारों कॉपीज़ हमें चाहिए तो थ्रू प्रिंट मीडिया और थ्रू वी कैन हैव मल्टीपल कॉपीज ऑल्सो सो राइटिंग का प्रचार प्रसार बहुत आसान है जो कि स्पोकन का उसके हिसाब से थोड़ा लिमिटेड है रिकॉर्ड रखने के लिए भी उसके लिए अच्छा नहीं। है नहीं। वर्बल तो रिकॉर्ड नहीं रहता रखना कुछ भी। है पाता है माने जाते हैं कि ऋषि मुनियों ने सब कुछ याद कर लिया याद, था। याद कर लिया था बिल्कुल वही परंपरा मौखिक चली आ रही थी हाँ लेकिन बाद में जब मुद्रण का एक तरह से इजाद किया गया जी तो हर चीज को डॉक्यूमेंटेड किया गया जी और, और उसके फायदे हम लोग उठा रहे हैं <laughs> जो सैकड़ों साल पहले लोगों ने सीखा चाहे हम साइंस की बात करें लैंग्वेज में बात करें दोहे श्लोक पोइट्री नॉवल्स ये सारा हम पढ़ पाए क्योंकि प्रिंट मीडिया था या रिटन में वो थे और रिटन में अगर वो ना होते तो हम हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि ऋषि मुनि का काम तो कुछ ही लोगों तक सीमित था बिल्कुल सेलेक्टेड फ्यू कुड गेट एजुकेशन देयर सो नॉर्मल पीपल जो एजुकेशन आज घर घर हर घर तक पहुंच गई है ये इसका विकास नहीं हो पाता अगर राइटिंग का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता आज तो हम अपने मोबाइल से भी बहुत सारे कमांड दे के प्रिंट आउट्स जो भी हमारे मोबाइल में वी कैन टेक दैट आउट सो so, अभी तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स uh, हुए हैं एक और बहुत अच्छी बात है जैसे हम लिख रहे हैं अगर कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं तो जो हमारी बोलने का हमें एक फ़ायदा है कि बोलने में हमारी जीव नहीं कटती हाथ लिखने में हाथ थक जाते हैं हम सारा दिन बोलें, लेडीज़ का काफ़ी कहा जाता है ये बहुत बोलती हैं लेकिन बोलते समय उनकी टंग नहीं कटती सो देर इज़ अ फेमस सेंग द टंग डज़ नॉट गेट चॉप्ड ऑन स्पीकिंग द हैंड्स डू गैट शॉप डॉन राइटिंग अगर आप बहुत लिखते हैं आजकल बच्चों के भी उसमें भी टीचर का बहुत बड़ा हाथ है कि हम बच्चों को बहुत सारे बच्चों के आप देखेंगे उंगलियों पे गांठें बन जाती हैं और वो थोड़ी देर बाद अपने हाथ छिटकने लगते हैं और बहुत टायर्ड फील करने लगते हैं सो हाउ टू होल्ड अ पेंसिल और अ पेन दैट ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ राइटिंग तो अगर हमने उन्हें ठीक से पेन पेपर पेंसिल होल्ड करना सिखाया है तो वो जल आसानी से लिख पाते हैं बिना थके लिख पाते हैं अदरवाइज दे गेट टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट मेकिंग एरर्स ऑल्सो बिकॉज उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है फिंगर्स की वो थोड़ा सा रुक जाती है सो दे आर नॉट एबल टू तो राइटिंग एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से हम अपने आप को अपने विचारों को किसी भी समय एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक जो राइटिंग है वो अलग से कोई स्क्रिप्ट नहीं है रीडिंग और राइटिंग के लिए सेम स्क्रिप्ट होती है दे आर पैरल और जो राइटिंग है उसमें हम जो हम बोल रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं उस सबका हम राइटिंग में भी उस फॉर्म को दे सकते हैं सो इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म बट इट्स नॉट अ डिफरेंट लैंग्वेज तो जो वर्ड्स हम जैसे पढ़ रहे हैं लिखना और पढ़ना रीडिंग एंड राइटिंग दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर अगर रीडिंग करने वाले लोग ना हो तो लिखे हुए की कोई वैल्यू नहीं है अब हम आज देखते हैं बहुत सारी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट hmm. हो रही हैं बिकॉज देर आर नो पीपल हु कैन रीड एंड अंडरस्टैंड देम सो इफ द रीडर्स आर नॉट देयर राइटिंग इज ऑफ नो यूज़ इन द सेम वे इफ द राइटर्स आर नॉट देयर रीडिंग कैन नॉट टेक प्लेस जो कुछ लिखा ही नहीं है हमारे सामने लिखित फॉर्म में है ही नहीं तो हाउ कैन वी रीड दैट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिटिन वर्ड की हम इम्पॉर्टेंट समझें एक तो जैसे मैंने बताया ये पर्मानेंट है सो रिटिन वर्ड इज़ मोर पर्मानेंट देन द स्पोकन मैसेज और जो स्पोकन पार्ट है या स्पीकिन हमने जो स्पीक किया है वो क्या है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती और रिटिन मटेरियल की एज तो इट कैन बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वन सेंचुरी टू अनदर सो सौ साल पहले जो किसी ने साहित्य लिखा कोई भी बात लिखी कोई कोटेशन लिखी कोई बुक लिखी दैट स्टिल इज रेलिवेंट एंड वी कैन स्टिल रीड इट सो राइटिंग का बेनिफिट है इट्स अ पर्मानेंट एंड ये एक सबूत की तरह भी यूज़ किया जा सकता है इट इज़ इट कैन बी यूज़ एज एन एविडेंस सो बहुत सारे ऐसे प्रिवलेज हैं राइटिंग के जिसकी वजह से राइटिंग इज़ डेवलपिंग डे बाई डे और मोस्ट मीडिया uh, आ रहा है मोस्ट प्रिंट हमारे फैसिलिटीज़ हमारी बढ़ती जा रही है सो स्पोकन वर्ड्स आर इन विजिबल एंड टेम्प्रेरी एंड जो रिटर्न वर्ड्स हैं दे आर विजिबल एंड दे आर पमानेंट और जो एक और बात है स्पीकिंग के लिए लिस्नर को आपके सामने ही होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति अकेले ही बोले जा रहा है एंड देर इज़ नो स्पीकर तो देर इज़ नो लिस्नर तो उस स्पीकिंग का कोई वैल्यू नहीं है एंटेनल देर इज़ अ लिस्नर इन फ्रंट ऑफ अ स्पीकर स्पीकिंग हैज़ नो वैल्यू वेयर इज अगर राइटर लिख रहा है उसके सामने कोई है या नहीं इट हार्डली मैटर्स द सेम मटीरियल कैन बी रेड एनी टाइम राइटर कैन राइट एनी टाइम सो जो टाइम की लिमिटेशन ना तो बाद के लिए है कि बाद में आपको कितने साल बाद पढ़ना है राइटिंग विल बी द सेम इन द सेम वे वाइल राइटिंग ऑल्सो वेन समबडी इज़ राइटिंग देयर रीडर इज नॉट रिक्वायर्ड दैन इन देयर रीडर कैन रीड इट एनी टाइम वेन एवर रीडर इज़ फ्री टू रीड राइटर कैन राइट एनी टाइम वेन द राइटर इज़ फ्री टू राइट एक और बहुत बात है कि स्पोकन और लिसनिंग राइटिंग में थोड़ा सा अंतर है जो हम स्पीकिंग की बात करते हैं सो so, स्पीकिंग में वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो बॉडी लैंग्वेज है जो जेस्चर्स हैं ये सारे थोड़ा सा मीनिंग को चेंज भी कर देते हैं लेकिन राइटिंग में बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स दे आर नॉट देयर मॉड्यूलेशंस आर नॉट देयर इंटोनेशन इज़ नॉट देयर सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ़ मिसकम्युनिकेशन मे भी आपने किसी से कुछ बात कही और उसने कहा नहीं तुमने ये इस टोन में कहा था तुमने इसका मतलब ये निकाला था बट वेन वी आर राइटिंग पंक्चुएशन मार्क्स आर देयर टू हेल्प अस एंड टू प्रूव वॉट वी वॉन्टेड टू राइट इज दिस सो देर इज़ नो मिसकम्यूनिकेशन नो मिसरस्टेंडिंग और उसमें किसी को अपने उसकी इन्फ्लुसिस की ज़रूरत नहीं होती कि आपने ये कह रहे थे ये कहना चाह रहे थे आपसे मुझसे ये निकला था सो so ये सारी चीज़ों से हमें आज़ादी मिल जाती है वेन वी आर राइटिंग समथिंग सो कॉन्टेक्स इन विच द कन्वर्सेशन इज़ टेकिंग प्लेस इज़ ऑल्सो क्लियर सो जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो स्पीकिंग में तो हम अपने आप को साथ के साथ करेक्ट कर पाते हैं और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद ना हो लेकिन रिटिन लैंग्वेज में अगर हमने कोई एरर कर दी तो बाद में हम उसे ठीक नहीं कर पाते आपने कोई बुक लिख दी और उसमें कोई गलती हो गई तो वो फिर उसका करेक्शन इतना आसान नहीं होता है केवल हम लिख रहे हैं हमने एडिटिंग की तब हमने करेक्ट कर लिया लेकिन अगर हमारे पास कोई पीस है लिटरेचर का या कोई भी साइंस का और कोई भी एरर हो गई तो इट कैन नॉट बी करेक्टेड लेटर ऑन तो स्पीकिंग और राइटिंग दोनों स्किल्स की जब हम बात करें दे आर ऑल्सो पैरल जैसे रीडिंग एंड राइटिंग दे आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन द सेम वे स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल्सो क्लोज क्योंकि जब आप सो बोल रहे हैं और वही आप लिख रहे हैं सो so, बोलने में आप साउंड्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते लिखने में आप लेटर्स के थ्रू आप वर्ड्स uh, के थ्रू सेंटेंसेस के थ्रू एंड डिफरेंट फॉर्म एंड फॉर्मेट यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ सो राइटिंग और इस्पीकिंग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और जो राइटिंग जो है उसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए आप सेंटेंस को कैसे और बेटर बना सकते हैं इसकी भी आपके पास फैसिलिटी है सो राइटिंग इज़ मोर कॉम्प्लेक्स क्योंकि रीडिंग में आप छोटे सेंटेंस बना सकते हैं केवल well, आपने वर्ड बोला सामने वाला क्योंकि आपको जानता है और वो आपकी बात को बिना पूरा सेंटेंस के भी समझ सकता है जबकि राइटिंग में ये फैसिलिटी नहीं है सामने वाला व्यक्ति जो भी आपका रीडर है मे और मे नॉट बी नोइंग यू सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन द सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज अगर आपने गलत स्पेलिंग लिख दी तो रीडर को नहीं समझ में आएगा कि दिस इज़ द स्लैप और जबकि अगर आप बोलते समय अगर आपने कोई वर्ड गलत प्रनाउंस कर दिया तो आपके सामने जो लिसनर है ही विल बी इजीली एबल टू नो कि देर वाज एन एरर एंड दिस वाज बाय चांस बिकॉज यू डेंट फोकस ऑन दैट प्रोनासीशन सो इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि राइटिंग हैज़ गॉट अ सिग्निफिकेंट एंड यूनिक प्लेस और जो स्पोकन की चीज़ें हैं स्पोकन लैंग्वेज इसमें कंपैरेटिवली चेंजेस ज़्यादा होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि हमारा अपना जो होराइज़न है हमारा जो अपना है एरिया है दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर जैसे कि अगर हम आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो एक स्टेट के जो स्कूल्स हैं उनमें उसी स्टेट के अधिकतर बच्चे होते थे एंड दे वर स्पीकिंग ऑलमोस्ट द सेम लैंग्वेज दे वर्ल्स वर ऑलमोस्ट द सेम पर आज अगर हम स्कूल्स में देखें तो टीचर्स भी अलग लैंग्वेज वाले हैं या लर्नर्स भी बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं सो लैंग्वेज में चेंजेस आते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनी दैट वी गेट फॉर स्पीकिंग लेकिन राइटिंग में इस तरह के चेंजेस आते हैं बट दे आर वेरी स्लो बहुत सारे वर्ड्स हैं विच बिकम आर के कैन विच आर रिमूव फ्राम द डिक्शनरीज बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस जबकि स्पोकन में द मोमेंट आर न्यू कॉन्सेप्ट देर वैन द पीपल लिसन इन द न्यूज़ और एनी मीडिया they are able to uh, accommodate those words in their uh, own spoken uh, communications. So, जो speaking की language है उसमें और जो writing की है उसमें बहुत सारा importance, बहुत सारा difference भी है similarities भी हैं लेकिन दोनों की अपनी अपनी जगह अलग अलग importance है अब हम थोड़ा सा ये बात समझें कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो किन बातों को हमें राइटिंग uh, सिखाते समय स्पेशली तो वॉट आर द फैक्ट्स दैट वी शुड कीप इन माइंड वाइल टीचिंग राइटिंग तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हर बच्चा एवरी चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू लर्न और अगर हम उसे प्रॉपरली सिखाते हैं तो एवरी चाइल्ड इज़ एबल टू लर्न राइटिंग नंबर टू हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चा केवल स्कूल में आने के बाद राइटिंग की हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है बच्चों को ड्राइंग के प्रति एक नेचुरल लव होता है दे आर इंटरेस्टेड इन ड्राॅइंग थिंग्स सो विद देयर फिंगर्स ऑन सेंस ऑन देयर ओन दे स्टार्ट राइटिंग और ड्राॅइंग सम लाइन्स सम पिक्चर्स सम सर्कल्स सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर राइटिंग सो राइटिंग के लिए वॉट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट चिल्ड्रन दे हैव गॉट बेसिक एबिलिटी टू बी एबल टू लर्न राइटिंग और दूसरा एक और बात है कि जो राइटिंग है उसके लिए हमें उनको राइटिंग सिखाते समय वी हैव टू प्रोवाइड देम विद द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग और हमें उनको रिटन मटेरियल के बहुत मतलब दे शुड वी शुड ब्रिंग देम क्लोजर टू द रिटन मटेरियल एज मच एज पॉसिबल और इसी सब के रहते हुए कि मोर दे लुक एट द रिटन मटेरियल बेटर दे विल बी एबल टू राइट सो अधिकतर क्लासरूम्स में चार्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं जिससे कि बच्चे उन चार्ट्स को देखें उन लेटर्स uh, को उन वर्ड्स को उन लाइंस को रिकॉग्नाइज करें और ज़्यादा देर तक रिटेन करें सो so, बहुत सारे वर्ड्स वर्ड्स जो बच्चों की वोकेबलरी में होते हैं दोज वर्ड्स आर रिटन समयर इन द वॉल्स और इन पोस्टर्स और इन द चार्ट इवन इन द बुक आउटसाइड द बुक सो दैट चिल्ड्रन आर एबल टू सी मोर एंड मोर ऑफ देम और बच्चे हर बच्चे में लिखने की कैपेसिटी होती है ये अलग बात है कुछ लोगों का राइटिंग अच्छा हो सकता है और कुछ लोगों का हैंड राइटिंग गलत हो सकता है बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इफ़ वी आर एबल टू रीड अगर हमें समझ आ रहा है उसने क्या लिखा है इफ़ वी आर एबल टू रीड देन इट हार्डली मैटर्स वेदर द राइटिंग इज़ ब्यूटिफुल और नॉट सो वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज़ द वर्ड शुड बी रिटर्न इन एन ऑर्डर और इन अ वे इन द साइज और स्पेसिंग इतनी सही होनी चाहिए कि द अदर पर्सन इज एबल टू रीड सो चिल्ड्रन जो है जो फिगर वगैरह बनाते हैं सैंड पे बनाते हैं ड्राइंग में बनाते हैं दीवारों पे सारा दीवारें कलरफुल कर देते हैं सो वी शुड नॉट डिसक्रेज दैम बिकॉज दिस इज़ हाउ दे आर लर्निंग हाउ टू ड्रॉ अ लाइन हाउ टू होल्ड पेन और पेंसिल और चौक फॉर दैट मैटर सो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि दे शुड बी प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ राइटिंग मटेरियल अराउंड दिम्स और जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उनको राइटिंग उन पर थोप नहीं, नहीं चाहिए वी शुड नाट कंपेल दैम टू राइट इन लाइक आज पाँच पेज लिखने हैं तो लिखने ही है नो राइटिंग शुड बी टॉट टू दिम इन अ वे दैट दे एन्जॉय राइटिंग इट ये ना हो उन्हें लगे कि ये तो सजा हो गई बहुत सारे जोक्स भी आते हैं कि टीचर ने कहा सौ बार लिखो दो सौ बार लिखो इट्स नॉट गोइंग टू ट्रेन देम मच सो वी शुड टीच दम हाउ टू राइट करेक्टली चाहे हम बहुत छोटे बच्चों की बात करें नर्सरी के जी की बात करें वे वी आर ट्रेनिंग दम हाउ टू राइट लेटर्स हाउ टू राइट वर्ड्स वहाँ पर भी अगर हम उनकी इस वर्ड्स uh, को जॉइन करने की जो कैपेसिटी है वर्ड्स को लिखने की साइन को लिखने की इस कैपेसिटी पर बहुत प्यार से गेम के थ्रू खेल खेल में अगर हम उन्हें सिखाते हैं और तब वो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं हम हो सकता है बिफोर टीचिंग राइटिंग वी कैन टीच और अदर वी शुड टीच देम ड्राइंग, सो दैट थ्रू ड्राइंग दे आर एबल टू होल्ड पेंसिल थ्रू ड्राइंग दे आर एबल टू मेंटेन द बैलेंस क्योंकि पेपर पे हाथ पे हाथ का कितना प्रेशर रखना है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स दे पुट सो मच प्रेशर ऑन द पेज दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू राइट कई दफ़ा वो पेन को इतना गहरा गड़ा के लिखते हैं दैट ऑल्सो इज़ नॉट वेरी गुड बिकॉज दैन दे गेट टायर्ड ईजीली सो द होल पिक्चर इज़ फॉर्म फर्स्ट तो पहले बच्चों को बच्चा जब आपके पास आता है तो यू नो दैट ही हैज़ गॉट सम कॉन्सेप्ट ही हैज़ गॉट सम वेज ऑफ राइटिंग इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग देन यू हैव टू यूटिलाइज दो नेचुरल गिफ्ट्स ऑफ गॉड और उसको एनफ कैन राइट वेल अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी सर शर्थियों ब्रेक के बाद वापस आकर इस चर्चा को जारी रखते हैं को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है ब्रेक के पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे लेखन कौशल के बारे में और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लेखन कौशल के विकास में मैडम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी सर आ, तो अभी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो राइटिंग स्किल है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो स्पीकिंग और रीडिंग से कैसे रिलेटेड है और अब हम थोड़ा हैंड राइटिंग पर भी बात करेंगे आ, क्योंकि हैंड रइटिंग भी एक यूनिक फीचर होता है बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा कि इंटरव्यूज़ और रिटर्न जॉब के सिलेक्शन के लिए या एडमिशन के लिए वो कहते हैं हैंड रिटर्न आप एप्लीकेशन देंगे तो हैंड रिटिन का मतलब होता है सो दैट दे आर एबल टू नो द पर्सनालिटी आल्सो तो जो हैंड राइटिंग है उस पर अगर बचपन में काम नहीं होता है तो बाद में हैंड राइटिंग चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं कहीं एक पढ़ रही थी कोई रिसर्च पेपर्स में तो वहाँ था कि हैंड राइटिंग की वजह से ये बहुत अचंभित करने वाली बात है हैंड राइटिंग की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं वर्ल्ड ओवर क्यों क्योंकि जो डॉक्टर्स लिखते हैं बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं और गलत दवाई चली जाती है सो so, डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि दे वॉट एवर दे राइट ओनली केमिस्ट कैन रीड सो समाइम्स अ वेरी स्मॉल चेंज कैन मैटर अलाट सो हैंड राइटिंग में सिखाते समय स्पेशली जो हमारे डी एल एड के स्टूडेंट्स हैं दे शुड बी वेरी पर्टिकुलर इन टीचिंग हैंड रंग ऑल्सो क्योंकि जब हम राइटिंग की बात करते हैं हैंड रिंग इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट और एक तो सबसे पहले हमें बच्चों का पोस्चर को बहुत चेक करना है बच्चे बहुत सारे बच्चे बिल्कुल आगे झुक के बैठ जाते हैं सिर को बिल्कुल डेस्क से छुला देते हैं बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये सो जाएंगे यहीं पर और एक हाथ पे पूरा ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो द टीचर शुड ट्रेन देम हाउ टू होल्ड द पेपर हाउ टू सेट एकदम सीधा बैठें और जो पेपर है उसको सीधा रखें बैंड ना करें और जैसे पेंसिल ये है एक पोस्चर की बात दूसरा है कि आप पेन को या पेंसिल को या चौक को होल्ड कैसे करें तो बच्चों को आपने बताना है कि पेन पैं और पेंसिल को बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे पेन uh, pen और पेंसिल को अंगूठे और उंगलियों के बीच में ऐसे एकदम ऐसे करके पकड़ लेते हैं सो दे आर नॉट एबल टू राइट इट प्रॉपरली सो द टीचर शुड टीच देम सो दैट दे शुड होल्ड द पेन इन सच अवे और पेंसिल इन सच अवे दैट दे आर एबल टू राइट स्मूदली ऑन द पेपर एंड देन विदाउट गेटिंग टायर्ड कुछ बच्चे फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फिंगर के बीच में इतना टाइटली कस के पकड़ते हैं पेंसिल को कि यहाँ पे उनकी बोन एक एक्स्ट्रा उसमें गांठ बन जाने लग जाती है एंड दे गेट सो टायर्ड सो ईज़िली तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में बच्चों को आ जाती हैं और इस सब से अगर हमें बचना है तो बच्चों को पेंसिल ग्रेस करना सिखाना होगा और टीचर को खुद चेक करना होगा कि हाँ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे इसने पेंसिल होल्ड की है या नहीं की दूसरा कंधे को कितना झुकाना है कई दफ़ा एक कंधे को बिल्कुल झुकाने के बाद बच्चे लिखते हैं सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग और उससे लेटर का फॉर्मेशन ठीक नहीं आ पाता है नेक्स्ट है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि वर्ड्स के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए हालांकि छोटे बच्चों की जो कॉपी होती है उसमें जो लाइन की दूरी है ये तो मार्क की हुई होती है लेकिन जो वर्ड्स एक वर्ड की दूसरे वर्ड से कितनी दूरी होनी चाहिए ये भी हमें उनको सिखाना होगा अदरवाइज समटाइम्स दे राइट वन वर्ड ओवर द अदर वर्ड सो दे वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट वॉट दे हैजैक्टली और समटाइम्स दे राइट एट सच अ लॉन्ग डिस्टेंस दैट दे स्पेंड अ लॉट ऑफ पेपर ऑन दैट सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हर दो वर्ड्स के बीच में एक इक्वल डिस्टेंस रखते हुए तीसरा है साइज कि जो हम लेटर्स या वर्ड्स जो हम लिख रहे हैं उनका साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए जैसे अगर हम एफ बना रहे हैं जिनका स्ट्रोक लोअर साइड पे आता है या हम जी बना रहे हैं लोअर साइड पे स्ट्रोक आने वाला लटा तो वहाँ उनका सबका स्ट्रोक एक ही लेवल पे आना चाहिए ये नहीं कि एफ़ का तीन चार नीचे लाइन तक चला गया या जी का बहुत छोटा सा स्ट्रोक हमने बनाया सो so, जब हम हैंड सिखा रहे हैं तो वी हैव टू टेच देम कि हम कैसे स्पेस की बात करें और दूसरा सब लेटर्स के साइज़ की बात करें कि अगर हमारे जो लेटर्स दो लाइनों में लिखे जाते हैं जैसे हम ए स्मॉल ए की बात करें एन की बात करें स्मॉल एस की बात करें तो उनका साइज़ सेम होना चाहिए और जो अपर थ्री लाइन्स में लिखा जाता है उसका साइज़ सेम होना चाहिए जो लोअर थ्री लाइंस में लिखा जाता है उसका लाइन साइज सेम होना चाहिए सो व्हेन वी टॉक ऑफ द यंग वंस इन प्राइमरी क्लासेस तो जो हैंड राइटिंग है वो हैंड राइटिंग इस बात पे बहुत डिपेंड करेगा कि उन्हें सिखाया जाए अगर हमने उन्हें ठीक तरह से नहीं सिखाया तो वो नेचुरल है बहुत सारी गलतियाँ करेंगे और उन गलती की वजह से हमें हो सकता है रीडर को समझ ही ना आए कि उन्होंने क्यों लिखा है कई दफ़ा बच्चे बीच बीच में कैपिटल लेटर डाल देते हैं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जैसे अगर उन्होंने लिखना है से हार तो आर बीच में कैपिटल डाल देंगे सो so, ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी है कि कैपिटल लेटर बीच में नहीं डल सकता हाउ टू बिगिन अ लाइन एंड देन हाउ वट शुड बी द साइज और साइज़ के लिए उनको स्टैंडर्ड हैंड राइटिंग दिखाए जाने चाहिए क्योंकि अगर वो देखते हैं और उन्हें कैसे लिखा है तो नेचुरली दे बी एबल टू राइट वेल एक और बात है कि जब हम राइटिंग सिखा रहे हैं तो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं सो टीचर शुड फोकस ऑन दोज लेटर्स ऑल्सो जैसे एफ़ है जी है वाई है नॉर्मली द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू हैव अ वेरी हेल्दी कप और लोअर लूप फॉर दम सो उनकी हम उनके केवल लूप्स की या जो लोअर हमने जो स्ट्रोक्स लगाए केवल उनकी अलग से प्रैक्टिस करानी चाहिए और कुछ सर्कल्स अगर सब बच्चे को हमें बताना है कि ये लेटर सब एक साइज़ के लिखें तो उसके लिए हम इनिशियली छोटे बच्चों की क्लास में व्हाट वी कैन डू इज़ कि सर्कल्स बना दे टीचर और बच्चा उस सर्कल के अंदर उस लेटर को फिट करे तो वो छुटपन से जब वो ये बात सीख जाएंगे तो द साइज विल बी द सेम तो वो ये नहीं होगा कि कोई छोटे साइज़ के लेटर्स लिख रहे हैं कुछ बड़े साइज़ के लेटर लिख रहे हैं सो ऑल द साइजेस विल बी ऑल द साइज ऑफ द ऑल द लेटर्स और द वर्ड्स विल बी सेम

स्पेसिंग अच्छी है तो नेचुरली द चिल्ड्रेन विल बी एबल टू डू बेटर नॉट ओनली इन द एग्ज़ाम्स बट ओनली वैन दे गेट जॉब्स और हैंड रइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले बच्चों को अच्छे हैंड राइटिंग लेजिबल हैंड राइटिंग की कॉपीज दिखानी चाहिए और एक और बात है अगर किसी बच्चे का हैंड राइटिंग बहुत गलत है बहुत गंदा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चे को डराना शुरू कर दें या हम उसको बहुत धमकाना शुरू कर दें क्योंकि हैंड राइटिंग पर्सनैलिटी को शो करती है पर अगर आपका हैंड राइटिंग गंदा है तो इट डजेंट मीन द चाइल्ड इज़ नॉट अ गुड चाइल्ड सो हैंड राइटिंग इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी को इतना विशेष नहीं करता लेकिन हमारे बहुत सारे आस्पेक्ट्स है पर्सनैलिटी के सपोज हमसे किसी ने कोई चीज़ रिटर्न में मांगी है वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे देन सटनली वी आर एबल टू इम्प्रेस दैट पर्सन सो so, आपको बहुत सुंदरता पे अगर ज़्यादा फोकस ना भी हो तो सेम साइज़ पे फोकस होना चाहिए और सेम स्पेसिंग पे फोकस होना चाहिए जिससे कि बच्चे समझ सकें कि वो क्या करें कि वो राइटिंग उनकी अच्छे से आए सो so, प्राइमरी क्लासेस में देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू बी गिवन टू द चिल्ड्रन फॉर राइटिंग स्किल्स तो थोड़ा बहुत तो अब आपको भी आ, समझ आ रहा होगा कि राइटिंग इज़ नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि बच्चे को आपने कह दिया कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा है इसे देख के ऐसे का ऐसा उतार दो इट इज़ ईजी टू से दिस इसमें हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए आई साइट चाहिए आपको जो फिगर दिख रही है वही आप बना सकते हैं सो लाइट ठीक होनी चाहिए उस पर लाइट ठीक पड़नी चाहिए उसका साइज ठीक होना चाहिए अगर आपने ब्लैक बोर्ड पर कोई लेटर्स या वर्ड्स लिखे विच आर वेरी स्मॉल इन साइज मे बी द चिल्ड्रन सिटिंग एट द बैक आर नॉट एबल टू सी इट करेक्टली एंड देन दे मे राइट रॉन्गली सो राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको आइडियल राइटिंग ब्लैकबोर्ड पर लिखें और इनिशियली बिल्कुल बिगनिंग में हमारी फोकस क्रे कर्सिव हैंड राइटिंग पर नहीं होनी चाहिए इन हिंदी वी हैव गॉट ओनली वन काइंड ऑफ राइटिंग बट इन इंग्लिश वी हैव गोट प्रिंट इस्माल एंड प्रिंट कैपिटल एंड कर्सिव इस्मॉलॉल एंड कर्सिव कैपिटल सो कर्सिव की प्रॉब्लम क्या है ये राइटिंग की स्क्रिप्ट uh, है या राइटिंग के लिए यूज़ की जाती है लेकिन जब हम बच्चे को पढ़ना सिखा रहे होते हैं रीडिंग हम सिखा रहे होते हैं तो रीडिंग में वो प्रिंट स्क्रिप्ट पढ़ रहा है और हम उसे राइटिंग में कर्सिव सिखाते हैं तो चाइल्ड गेट्स कन्फ्यूज सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू ट्रेन देम ऑन प्रिंट फर्स्ट तो हम प्रिंट में भी कैपिटल लेटर पहले लिखना सिखाएंगे और बाद में हम प्रिंट पे स्मॉल लेटर सिखाएंगे तो फोकस शुड भी और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए थ्रू विच द चिल्ड्रन आर एबल टू लर्न वेल बहुत सारे लेटर्स uh, भी आते हैं पेपर में लेटर्स आते हैं बड़े बड़े लेटर्स कटे हुए जैसे हैप्पी बर्थडे के लिए लेटर्स आते हैं हैप्पी दिवाली वगैरह के लिए आते हैं ऐसे लेटर्स कटे हुए कट कटआउट जो हैं लेटर्स के वो हम बच्चों को दिखा सकते हैं सो देट दे आर एबल टू ग्रेस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज लेटर्स हम इसके अलावा लकड़ी में भी लेटर्स आते हैं अधिकतर प्राइमरी स्कूल्स में किट होते हैं उनमें लकड़ी के वुडन लेटर्स बने हुए होते हैं बहुत सुंदर काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के होते हैं तो जो बच्चे डिसलैक्सिक होते हैं डिसैक्सिक मीन्स दोज हु कैन नॉट रीड सो नेचुरली दे कैन नॉट राइट करेक्टली ऑल्सो उनका डायरेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है उन्हें बी और डी में अंतर समझ नहीं आ पाता है सो समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू राइट करेक्टली तो अगर हम वुडन लेटर्स uh, की बात करें या हम पेपर के या प्लास्टिक में हमारे पास लेटर्स हैं इफ़ वी गिव इट टू द चिल्ड्रन टू प्ले अगर हम उन्हें खेलने के लिए दें और उनके कभी कलर के थ्रू कभी साइज़ के थ्रू हम कभी कहें कि वो वाले लेटर्स हमें दो जो थ्री लाइंस में लिखे जाते हैं कभी हम कहें फोर लाइंस में लिखे जाते हैं कभी हम कहें टू लाइंस में लिखे जाते हैं सो दिस इज़ हाउ और वो लेटर्स लिखो जो जिनमें सर्कल यूज़ होता है या वो लेटर्स लिखो जिनमें स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है तो दिस इज़ हाउ जो कॉन्सेप्ट है लेटर्स का दैट कैन बी स्ट्रेंथन सो टीचर को राइटिंग को बहुत सीरियसली लेना है और इसको एज ए प्रोसेस सिखाना है एज ए प्रोडक्ट नहीं देना है क्लास में कराना है और क्लास में कराते समय टीचर हैज़ गॉट टू बी वेरी मोबाइल एंड टीचर हैज़ टू मॉनिटर कि किस बच्चे को क्या लेटर लिखते समय प्रॉब्लम आ रही है और वही, उसको वहीं उसको करेक्ट करें उसकी मदद करें जो लेटर्स नहीं बन पाते हैं बच्चों से तो उनको थोड़ी उनकी मदद करें और इस तरह की राइटिंग प्रैक्टिस की आ, कुछ बुकलेट्स आती हैं वर्कशीट्स आती हैं वो स्पेशली उन बच्चों को दी जा सकती हैं दोस्ट चिल्ड्रन हु आर हैविंग प्रॉब्लम सो दीज वर्कशीट्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय द टीचर और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन पे वर्कशीट्स अवेलेबल हैं विथ पर्टिकुलर लेटर्स ओनली विथ वर्ड्स ओनली मार्केट में भी वर्कशीट्स अवेलेबल है सो टीचर हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो करा सकते हैं वर्कशीट्स भरा सकते हैं लैंग्वेज गेम करा सकते हैं लेटर्स दे सकते हैं अलग अलग तरह के जिनको कि बच्चा ऑर्गेनाइज कर सकता है और इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू द चिल्ड्रंस वोकेबलरी कैन ऑल्सो बी एनहांस्ड और बच्चों की हैंड रइटिंग इम्प्रूव कराना हमें बहुत ज़रूरी है लेकिन उसके लिए वी नीड नॉट इंसल्ट और ह्यूमिलिएट चाइल्ड हमें उसको ये नहीं करना है कि हमने उसको डांटना शुरू कर दिया या हमने पीटना शुरू कर दिया या पूरी क्लास में उसके हैंड राइटिंग की हमने हंसी उड़ा दी इफ़ वी रियली वॉन्ट आर चिल्ड्रन टू हैव वेरी गुड हैंड राइटिंग देन वी हैव टू इम्प्रूव दम और इम्प्रूव दे हैंड राइटिंग वन बाई वन एक बार में हम केवल एक लेटर सही कराएं ये नहीं कि हम सारे लेटर्स एक साथ में करेक्शन करा दें सो इनिशियल करेक्शन शुड बी ऑन वन पर्टिकुलर लेटर एंड नॉट ऑन ऑल या एक तरह के लूप को ही हम सिखा रहे हैं और उस लूप से बनने वाले लेटर्स बच्चों को सिखा रहे हैं सो so, एक बार में हम एक ही तरह की चीज़ें सिखाएँ सो दैट द चिल्ड्रन हैव द कॉन्सेप्ट क्लियर एंड दे आर एबल टू राइट करेक्टली चिल्ड्रन जो जब वो थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ लिखना शुरू हो जाते हैं तो उनको सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करना है ये सब चीज़ें भी जोड़ना सीख जाते हैं सो so, अभी हम सीखेंगे कि राइटिंग से डर के भागने की कोई ज़रूरत नहीं है जब भी आप अच्छे से सिखाएंगे जब टीचर्स जो टीचर्स बहुत अच्छे से सिखाते हैं दे मेक एफर्ट्स और क्लास में ही बच्चे को छोटे से छोटे एस्पेक्ट राइटिंग के लेके आगे बढ़ते हैं देन चिल्ड्रन रियली एन्जॉय राइटिंग सो टुडे विल फोकस

तो अगर हमें राइटिंग टास्क करने हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा सो so, जो गुड हैंड राइटिंग है देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हैंड राइटिंग विल फोकस ऑन दोज करेक्टरिस्टिक्स द फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी शुड नो हाउ टू ऑर्गेनाइज द आइडियाज़ जो आइडियाज आइडियाज़ हमारे मन में आ रहे हैं उनको पहले किस बात को कहें बाद में किस बात को कहें दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सो so, आपके मन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं जो भी बात आ रही है यू राइट देम डाउन उन सब पॉइंट्स को आप लिख लें और लिखने के बाद देखें कि कौन सी बात शुरू में कहनी चाहिए थी कौन सी बात बाद में कहनी चाहिए थी और जो मेन कोर पार्ट है किसी भी आस रईटिंग आइटम का उस कोर पार्ट में भी कौन सी बात एक साथ कहनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं कहनी चाहिए सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट

सो दाइल शुड बी सुटेबल टू द मैटर इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो हम लिख रहे हैं जिस काम के लिए हम बैठे हैं वो कन्वे हो भी पा रहा है कि नहीं आ पा रहा देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ चॉइस ऑफ वर्ड्स अगर हमने चॉइस ऑफ वर्ड्स ठीक नहीं लिखी और हमारी स्टाइल भी अच्छी है एंड वी एव ऑल्सो ऑर्गेनाइज देन राइटिंग विल नॉट मेक एनी सेंस सो द चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी करेक्ट हमें कौन सा वर्ड वहाँ पर यूज़ करना है जैसे कि अगर हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमें लर्नर वर्ड लिखना है स्टूडेंट वर्ड लिखना है हमें वहाँ पर चिल्ड्रन वर्ड लिखना है सो so ये जैसे वर्ड्स हैं अब डिपेंड करता है हम लिख किस लिए रहें और इसको पढ़ने वाला लोग कौन है और उसी पर बेस होगा हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स सो द टीचर शुड ऑल्सो टेल दिम जब हम कुछ भी लिखना सिखा रहे हैं तो वी शुड गिव देम ए नंबर ऑफ ऑप्शंस तो थोड़े सिनोनिम्स हम उन्हें दे सकते हैं हम उन्हें अदरवाइज ऑल्सो वी कैन गिव देम सम वर्ड सो दैट दे आर एबल टू चूज सो हम राइटिंग स्किल कराने से पहले वी शुड हैव डन अ लॉट ऑफ वोकेबलरी वर्क हमने वोकेबलरी पे बहुत सारा काम किया होना चाहिए इफ़ वी हैव नॉट इंट्रोड्यूस वोकेबलरी फॉर राइटिंग सेक्शन इट मीन्स वी आर नॉट जस्ट विद द चिल्ड्रन सो हमें उन्हें सपोज़ हम उन्हें लिखना सिखा रहे हैं अ फेस्टिवल तो वी शुड हैव अ माइंड मैपिंग फॉर राइटिंग दोज वर्ड्स विच कैन बी और विच मे बी यूज बाय द लर्नर फॉर वाइल राइटिंग दैट आर्टिकल और एस और नोटिस सो सबसे पहले तो उन वर्ड्स की एक बहुत सारे वर्ड्स बोल के माइंड मैपिंग के थ्रू ब्रेन स्ट्रामिंग के थ्रू

आप ये लिख के ले आएगा आप उनको बौकादे उनको वोकेबलरी सिखाएं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करें थ्रू विच यू आर इंट्रोड्यूसिंग द वोकेबलरी सो चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन पंक्चुएशन पंक्चुएशन मार्क्स आर टू बी यूज बिकॉज एज वी न्यू इट इन द बिगिनिंग ऑल्सो दैट पंक्चुएशन इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ राइटिंग पंक्चुएशन सिम्बल्स पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड only in writing in spoken we may pause but it is not very prominently visible and number of punctuation marks cannot be shown when we are uh, speaking so punctuation marks are very important and then editing editing is also to be done keeping in mind different aspects say for spellings सो एडिटिंग शुड बी डन फॉर चेकिंग द स्पेलिंग्स बिकॉज इफ़ यू हैव रिटन अ रॉन्ग स्पेलिंग then मे बी अ रॉन्ग मीनिंग इज कन्वेड सो द मोस्ट thing थिंग इज़ कि आप एडिट करें एक बार स्पेलिंग को ध्यान में रखें फिर आप देखें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक है punctuation आपने ठीक से की हुई है और जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो ठीक से है कि नहीं सो so, अगर हम चाहते हैं कि हमारी राइटिंग गुड हो लोग हमारे पास आएँ कि भाई जरा लेटर लिख देना या हमारे लिए आर्टिकल लिख दो या इस पर रिपोर्ट बना दो तो वी शुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज वी शुड बी एबल टू हैव अ स्टाइल विच इज़ सुटेबल फॉर देट पर्पज देन वी शुड बी एबल टू चूज द वर्ड प्रॉपरली एंड पंक्चुएशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट वेन वी आर टॉकिंग ऑफ राइटिंग एंड देन एडिटिंग एंड स्पेलिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग यू नो इन हिंदी A spelling may not be playing that important role because there are less confusions in hindi though hindi writing is not very easy it is very difficult to know how to form a word but when we talk of spellings in english a word may be pronounced or spoken in a same way but the spelling may be different say when we say f a r e f a i r fair so the spellings are different so if we write wrong fair there then maybe the wrong meaning will be conveyed so when we are teaching writing a lot of language game should be played for teaching spellings rules of spelling should also be taught or told to the children so that when they know the basic rules they might not make the errors in spellings say a uh, number of children they write Wrong spellings of the word receive. When we say receive, so R E C E I V E. So, most of the students are confused is it R E C E I or C I E or thief is T H I E F or T H E I F. So, for that, if we are able to tell them the rule of spellings, then they will not create such problems they will not make mistakes in writing spellings so some rules of spelling some language games some clarity about the spelling aspect should be made clear to the children another very important thing is we should know or the teacher and the learner both should know why are they writing because that will determine the size of writing the moment we know why are we writing is it a polite request or through which uh, what are we teaching then if are very clear about the purpose we may be able to impress our reader then grammar is again a very important aspect basically grammar is uh, uh, for writing only it's a very important component for writing because if you do not know the basic grammar say the rules of singular plural the rules of using tense then you may not be able to have good writing so for good writing one should have proper knowledge of grammar and the tense etc noun pronoun all these things should be clear to the speaker to the writer so grammar bhi aap sath ke sath karayenge jab unhe writing sikha rahe another thing that is very important is what they write should be legible uh, somebody should be able to read it इन द एग्जाम सम चिल्ड्रेन आर नॉट एबल टू गेट मार्क्स बिकॉज द एग्जामनर्स आर नॉट एबल टू रीड एग्जामनर बेचारे को समझ ही नहीं आता इसने क्या लिखा है तो वो ऐसे ही अंदाजे से थोड़े बहुत मार्क्स दे देते हैं बट दोज हुईट नीटली दोज हुइटिंग इज लेजिबल दे नॉर्मली डोंट फेस दिस प्रॉब्लम वाई बिकॉज द एग्जामनर इज एबल टू रीड और द अदर पर्सन इज एबल टू रीड एंड द राइट मीनिंग इज कन्वेड सो जब हम राइटिंग सिखा रहे हैं तो ये नौ चीज़ें जो अभी अभी मैंने बताई दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग सो नाओ लेटर्स कम टू नो लेटर्स ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू टीच राइटिंग फर्दर जब हम राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं और स्पेशली लोअर क्लासेस की तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम उन्हें राइटिंग स्किल में सिखाते हैं जैसे लेटर राइटिंग लेटर राइटिंग से प्राइमरी uh, लेवल पे नॉर्मली इट इज़ अबाउट लेटर राइटिंग टू द प्रिंसिपल और इसमें हम नॉर्मली हम सिखाते हैं कि जो लेटर राइटिंग है वो कैसे की जाती है लर्नर्स नाउ देर इज़ अ ब्रेक फॉर अ वाइल सो थोड़ी देर बाद फिर से मिलेंगे ब्रेक के लिए दो मिनट के लिए आप रुकेंगे

ये प्रकाशित करने रहो को आलोकित करने वेलकम बैक लर्नर्स तो अभी तक हम जान रहे थे राइटिंग के बारे में और राइटिंग के थ्रू हमने बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की अब हम फिर से राइटिंग पे थोड़ा और फोकस करेंगे थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे तो हम जान रहे थे कि जो हमारी जो भी हम कोई बात लिखते हैं उसको हम कैसे क्या करें कि हम बहुत अच्छा राइटिंग एक पीस लिख पाएँ तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी और इसी की कंटिन्यूटी में हम आगे चलते हैं तो एक तो जब हम लिखें हम सबसे पहले पूछें हम लिख किस लिए रहें वॉट इज़ अ पर्पस फिर हम ये जानने की कोशिश करें हु इज़ गोइंग टू रीड इट तो अगर हमारा जो राइटअप हमने लिखा है वो हमारे सीनियर्स पढ़ रहे हैं वो हमारे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं वो हमारे मीडिया में जा रहा है वो हम एज़ अ नोटिस लिख रहे हैं तो हमारी ऑडियंस कौन है मतलब जो हमें उसको पढ़ेगा रिटिन को वो कौन है दैट विल डिटर्मिन द फॉर्मल लैंग्वेज अगर हमें पता है कि कौन पढ़ने वाला है तो आर लैंग लैंग्वेज विजली रिलेटेड टू दैट सो वी शुड नो द ऑडियंस एंड हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑडियंस इस पढ़ेगी उसका लेवल क्या होगा आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो बुक्स लिखी जाती हैं स्टोरी की बुक क्लास की बुक्स उनकी जो लैंग्वेज होती है वो छोटे बच्चों के हिसाब से ही होती है वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर नॉट इंट्रोड्यूसड इन द सेम वे जब हम लिखते हैं तो हमें उन्हीं वर्ड्स का सिलेक्शन करना चाहिए जो हमारे वो लेवल के जो ऑडियंस है जो रीडर्स हैं दे आर एबल टू अंडरस्टैंड अगर हमने कोई क्लास सिक्स के लिए कुछ मटेरियल लिखा है क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ पाएँ और हमने उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड कर दी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर दिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ कर दिए और बहुत सारे एडियम्स यूज कर लिए तो इट विल बी टोटली अ वेस्टेज इन द सेम वे इफ़ वी आर राइटिंग समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन सीनियर सेकेंडरी एंड हमने अपना लेवल बहुत लो रख लिया तो भी क्या होगा कि उन लर्नर्स को उसमें अच्छा नहीं लगेगा उनको बहुत ऐसे किडिश लगेगा एंड देन मे बी दे लूज़ इंटरेस्ट इन रीडिंग एट सो इफ वॉन्ट आर रीडर्स टू मेनटेन इंटरेस्ट वॉट इज इम्पोर्टेंट इज़ वी शुड एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द ऑडियंस एंड द लेवल ऑफ ऑडियंस मीन्स लेवल इन देंस ऑफ नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज दैन नो दिचुएशन एंड नो द फॉर्मेट जब हम कोई भी बात लिखते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये क्या काम आने वाला है वैदर इट इज़ अ नोटिस इट्स अ लेटर सो हम जब राइटिंग सिखाते हैं तो हमें राइटिंग के जो दूसरे आस्पेक्ट्स हैं से फॉर्मेट दैट इज़ ऑल्सो टू बी टॉट एलाबोरेटली अगर हमने नोटिस को लेटर के फॉर्म में लिख दिया या लेटर को नोटिस के फॉर्म में लिख दिया या हमने कोई और दूसरे फॉर्म में चीज़ लिख दी हमने रिपोर्ट को लेटर के फॉर्म में लिख दिया इट विल लूज इट्स सिग्निफिकेंस सो वी शुड द टीचर शुड भी वेरी क्लियर अबाउट द फॉर्मेट और फॉर्मेट को केवल ये नहीं है कि हमने क्लास में एक बार बता दिया और काम ख़त्म क्लास में आप बताएं एक एक चीज़ एक एक लाइन पे फोकस करें गेम्स की तरह उनसे कराएं उनको केवल फॉर्मेट उनका टेस्ट करें वॉल्स पे पोस्टर में पे डिस्प्ले चाहे आप आ, आ, मीडिया के थ्रू स्मार्ट बोर्ड के थ्रू आप अलग अलग तरह से फॉर्मेट को शो कर सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं उसको अच्छे से समझ सकें और सही फॉर्मेट में ही लिखें एंड इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है फॉर्मेट की दैट इन द एग्ज़ाम्स इवन फॉर्मेट हैज़ गोट सम मार्क्स सो फ़ॉर्मेट की आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होने वाली है uh, जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स बनने हैं जैसे कि कोई एडवर्टीजमेंट बनना है सो दैट हैज़ गोट अ पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड दिस फॉर्मेट इज़ टू बी रिटेन सो द टीचर्स शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड दे शुड ट्रेन इट ग्रेजुअली आप एक बार में एक ही फॉर्मेट सिखाएंगे और जब तक वो फॉर्मेट क्लियर नहीं हो जाता लर्नर्स को अंटेनलेस दे ग्रेस पे टोटली दे शुड नाट प्रोसीड फरदर देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अप्रोप्रिएट वर्ड शुड बी चोजन और इसके लिए टीचर्स को उनको पूरा ढेर सारा ट्रेजर हाउस बहुत सारे वर्ड्स थ्रू वेरियस गेम्स शुड be इंट्रोड्यूस टू द लर्नर्स सो दे हैव अ वेराइटी ऑफ वर्ड्स So, they have got a number of words and they are able to select. Hum normally class is pe letter but we do not give them words. So, they should know how to begin a letter, what words will be suitable for beginning a letter or beginning a notice, what words should be good enough for writing the closing. So, agar hamne words ko unko bata then certainly they will be able to. Write a better write up. Then another very important aspect is that they should know which words are useless or which words are not serving any purpose. कोई भी शब्द जो किसी काम नहीं आ पा रहे, जो कि ये नहीं बता पा रहे कि ये मतलब एक्स्ट्रा हैं। Either they are extra or they are not required at all. Those words should be deleted from the write up. बिल्कुल अनिवार्य शब्द जितने भी हैं, उनको हमें वहाँ से हटा देना चाहिए सो so, एज पहले भी मैंने आपको बोला कि अकॉर्डिंग टू ऑडियंस वी शुड सेलेक्ट द वर्स एंड अकॉर्डिंग टू ओकेजन ऑल्सो अगर कोई ओकेजन है जिसके लिए आप लिख रहे हैं सीरियस टाइप का ओकेजन है तो वर्स शुड बी सीरियस अगर हमारी ऑडियंस बहुत लाफ्टर के मूड में है खुश है या हमारे रीडर्स जिनके लिए हम लिख रहे हैं तो देन वी शुड राइट द लैंग्वेज एंड मेक इट लाइट सो वी शुड राइट अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ एंड देन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अप्रोप्रिएट कोलोकेशन जो वर्ड्स हैं दे गो टुगेदर। जैसे अगर हमने लिखना है फूड तो फूड के साथ हम लिख सकते हैं टू ईट फूड टू टेक फूड बट अगर हमें वर्ड यूज़ करना डाइन प्लीज़ डाइन विद मी और प्लीज हैव सम डिनर विद मी तो वी हैव टू सी वॉट वर्ड्स कोलोकेट विद वॉट सो अप्रोप्रिएट कलोकेशन ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक वर्ड ऐसा ना हो एक रोज़मर्रा की बोल चाल का वर्ड हो और एक वर्ड बहुत हाईली लिट्रेरी वर्ड हो सो दे शुड हैव दे शुड गोट टुगेदर दे शुड हैव अ बॉन्डिंग लाइक जैसे अगर हमने बिल्ड वर्ड लिखना है तो हमें वहाँ पर बिल्ड के साथ कौन से वर्ड जाएँगे या हमें कंस्ट्रक्ट वर्ड वहाँ पर यूज़ करना है या हमें क्रिएट वर्ड यूज़ करना है फॉर्म वर्ड यूज़ करना है ये बहुत सारे वर्ड्स हैं डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन द ऑडियंस द पर्पज़ वी हैव टू चूज़ द वर्ड इन द सेम वे अगर हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम ये जो हमने वर्ड्स दिए हुए हैं इम्प्लोर है क्वेश्चन है रिक्वेस्ट है दे uh, सीख है अर्ज है पटिशन है सो so, इन में से उस ओकेजन के लिए उस ऑडियंस के लिए उस लेवल के लिए कौन सा वर्ड सही रहेगा सो so, हमारे पास अगर सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं देन इट बिकम्स ईजी जैसे पैनिक है फियर है ट्रामा है शॉक है पेट्रीफाइड है तो अब इनमें से हमारे लिए कौन सा वर्ड ठीक रहेगा और इस सब के लिए टीचर को वैन द टीचर इज़ ट्राइंग टू टीच राइटिंग ये वर्ड्स का स्टोर हाउस दे देना चाहिए इससे बच्चों के सामने थोड़ा सा एक ऑप्शन आ जाता है एंड दे आर एबल टू डू इट इन अ बैटर वे सो so, कलोकेट है तो कौन से वर्ड किसके साथ जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे जैसे वी कैन से स्ट्रॉन्ग टी बट वी कैन नॉट से अ माइटी टी अ स्ट्रोंग कार तो हमें देखना चाहिए कि हमें कौन से वर्ड किसके साथ जाते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं ग्रेट एडमरेशन पर हम बिग एडमरेशन ग्रेट एंगल सो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि ग्रेट के साथ कलोकेट करते हैं मे बी दे मे नॉट गो विद बिग सो हमें देखना है कि ये वर्ड इसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा सो जैसे हम अगर कहना चाहें बिग प्राइड तो दिट विल लुक वेरी ऑड सो कलोकेशन इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड लुक एट इट देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स देर आर थ्री पंक्चुएशन मार्क्स Which are known as pauses. So, one is full stop, another is question mark, and another is mark of or exclamatory mark. And they tell, full stop as you know, tells us that the sentence is finished here. Question mark or interrogation or mark of interrogation or interrogative sign. So, that shows there is a question, then exclamatory.

and when we say he is tall dark and handsome so tall and dark they are both adjectives so between tall and dark we'll use a comma so when we are using same parts of a speech then also we'll use so there are various occasions where we can use comma then we have got colon and semicolon colon and semicolons colon is normally used in front of the headings and semicolons are used for using a compound sentence. Then we have got inverted commas. Inverted commas means the commas which were used for uh, double inverted comma means it is uh, somebody else's lines. and single inverted comma may mean that this word means something else here, or this word is important here, or this word has got some other inference so our single inverted comma and double inverted comma they have different purpose we cannot put single inverted comma in place of double inverted comma or double inverted comma in place of single inverted comma so these parts of a speech then we have got hyphen we have got brackets we have got slash we have got uh, brackets so different kind of brackets are there

तो हम ब्रैकेट में डी एल एड की फुल फॉर्म लिख सकते हैं सो so, बहुत सारे आ, अलग अलग फंक्शंस हैं पंक्चुएशन के पंक्चुएशन मार्क्स को शुरू से ही हैबिट्स डालनी चाहिए ग्रेजुअली आई हैव सीन इम्पोर्टेंस जो है पंक्चुएशन की कम होती जा रही है बट एज़ टीचर्स वी शुड मेक इट अ प्रैक्टिस एंड वी शुड मेक इट अ हैबिट फॉर द लर्नर्स टू ऑलवेज यूज़ पंक्चुएशन मार्क्स करेक्टली और सारे पंक्चुएशन मार्क्स एक साथ नहीं सिखाने चाहिए एक बार में एक ही पंक्चुएशन मार्क्स सिखाएं और उसी को थोड़ा उनको रिटेन करने दें और जब लगे कि हाँ अब ये कर सकते हैं देन वी शुड प्रोसीड फर्दर अब पंक्चुएशन मार्क्स भी हमने कर लिए स्पेलिंग भी हमने बहुत अच्छे से समझ ली हमारा वर्ड्स का सिलेक्शन भी हो गया हमने ऑर्गेनाइज भी कर लिया दैट इज़ नॉट सफिशेंट हमें अब बैठ के खुद देखना होगा कि कोई गलती तो नहीं रह गई और ये गलती किस किस एरियाज़ में हो सकती है सबसे बड़ी कॉमन एरर होती है कि हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चेक नहीं कर पाते अगर हमने बोला है वर्ब हमारी प्लूरल में है जैसे बॉयज चिल्ड्रन दे तो हमारी जो वर्ब है वो वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग होगी जैसे वी नॉट से दे गोज इट विल बी दे गो

हमने प्लूरल फॉर्म तो लिखी बट रॉन्ग प्लूरल फॉर्म लिख दी देर आर रूल्स फॉर कन्वर्टिंग अ सिंगुलर नाउन इन टू प्लूरल नाउन जैसे चाइल्ड है चाइल्ड का प्लूरल हम चाइल्ड्स नहीं लिख सकते वी विल राइट चाइल्ड एंड चिल्ड्रन इन द सेम वे लेडी एल ए डी वाई और इसका अगर हमने लिख दिया एल ए डी वाई एस लेडीज इट विल बी रॉन्ग द करेक्ट प्लूरल विल बी एल ए डी आई ई एस सो जो करेक्ट वे है सो द टीचर शुड ऑल्सो भी टीचिंग दैम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन सो दैट चिल्ड्रन नो द बेसिक रूल्स एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर एंड पुरूल सो आपको एडिटिंग करते समय सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना है फिर उसके बाद हमें देखना है कि हमारी जो वर्क की फॉर्म है वो हमने ठीक लिखी है कि नहीं लिखी बहुत सारी बात जैसे सिट है सिट की बच्चे लिख देते हैं आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डू दे गेन इट बट वो लिख देते हैं सिट सिटेड सो करेक्ट फॉर्म सिट सेट सेट ही हमें लिखनी है ऐसे ही स्टैंड का स्टैंड स्टूड स्टुड सो स्टैंड स्टैंड डेड या कुछ इस तरह का अगर बच्चों ने लिख दिया दैट इज़ द रोंग फॉर्म सो जो वर्ब की हम फॉर्म लिखेंगे आईन जी फॉर्म आनी है सेकेंड फॉर्म आनी है थर्ड फॉर्म आनी है और वो फॉर्म भी हमने ठीक लिखी है या नहीं जैसे फ्लाई है फ्लाई का फ्लाई फ्लू फ्लोन नॉर्मली दे चिल्ड्रन आर एबल टू राइट इट करेक्टली पर जब हम फ्लो का पूछते हैं तो वो फ्लो का भी फ्लो फ्लू फ्लोन लिख देते हैं सो करेक्ट फॉर्म शुड बी टोल्ड टू द लर्नर्स एंड वो अलग से चेक भी करना चाहिए उसके बाद सुटेबल टेंस यूज़ हुआ है या नहीं यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑल्सो टू बी सीन कि जो टेंस हमने यूज़ किया है ऐसा तो नहीं है कि हमने फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए कहीं हमने टुमारो वर्ड लिखा और उसके संग हमने पास लगा दिया या कहीं हमने यस लगा लिखा और उसके साथ हमने विल लगा दिया सो टेंस इज़ ऑल्सो टू बी चेक्ड वाइल एडिटिंग अ पीस देन एडजेक्टिव ठीक लगाया है या नहीं लगाया जैसे कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं दे मे अपीयर टू बी पॉजिटिव और बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि नेगेटिव uh, लुक भी दे सकते हैं सो so, हमें देखना है कि हमें किस तरह का एडजेक्टिव लगाना है फिर हमें प्रोनाउंस देखना है कि प्रोनाउन का एक तो प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन का एक सिक्वेंसिंग है एक स्पेस है तो वो स्पेसिंग हमने ठीक से रखनी है ये ना हो कि हमने उसका गलत ऑर्डर कर दिया ऐसे ही बहुत सारी बात जैसे ही और शी हमारे प्रोनाउन से पर जब हम ही को ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं तो हम हिम करते हैं जबकि शी को जब हम करते हैं तो हम उसको शिम नहीं करते हम इसको हर करते हैं। तो जो प्रोनाउन है उसकी फॉर्म प्रॉपर क्या है वो भी हमें चेक करनी है उसके अलावा हमें स्पेलिंग्स भी चेक करनी है सो so, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जब हम एडिटिंग की बात करते हैं और एडिटिंग अपने आप में ही एक फुल फ्लैश प्रोफेशन है सारे जो भी बुक के है, पब्लिशर्स हैं सारे जो जर्नलिज्म हैं है, जो सोशल मीडिया में हैं जहाँ पे राइटिंग का काम किया जाता है देर आर पीपल हु आर एक्सपर्ट इन एडिटिंग सो एडिटिंग इज़ अ वेरी टफ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब बिकॉज यू हैव टू बी रीडिंग द वर्ड्स वेरी माइनूटली कीपिंग इन माइंड डिफरेंट आस्पेक्ट्स सो एडिटिंग की हम क्लास uh, में भी बच्चों को हम थोड़ा थोड़ा कोई सेंटेंस दें और उस सेंटेंस में थोड़ी हम कुछ एरर करें और फिर बच्चों से पहचान कराएं तो थोड़ा सा बच्चों को क्या होगा कि आइडिया होगा कि ये वर्ड यहाँ पे गलत है और ये क्यों रॉन्ग है ये भी उनको पता होना चाहिए सो तो जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है वन ऑफ माई टेल मी अब हमें करेक्ट और जस्टिफाई बताना है कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा और ये क्यों होगा सो वन ऑफ माई सर्वेंट्स वन ऑफ आई हम कह रहे हैं तो ये वन सिंगुलर के लिए तो टेल रॉन्ग इट शुड बी टेल्स तो अगर हम बच्चों को इस तरह की वर्कशीट बना के देते हैं या इफ़ वी राइट सच थिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड और इसके लिए हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है वी कैन कलेक्ट दीज एरर्स फ्राम द लर्नर्स नोट बुक्स डेम्स बच्चों ने जो गलतियाँ की होती हैं उनको हम कलेक्ट कर लें अपनी डायरी में और जब हम कॉमन एरर्स कराएँ या जब हम एडिटिंग सिखाएँ या वेन वी आर टीचिंग दैम राइटिंग टास्क एट द टाइम वी कैन देयर वर्जनस देयर राइटिंग वी कैन यूज़ सो देट वी डोंट मेक मिस्टेक्स अब जैसे ये एक हमारे सामने एक छोटा सा पैसेज है जिसको हम वीड आउट करेंगे ये एडिटिंग से थोड़ा सा अलग है एडिटिंग में हम रॉन्ग वर्ड्स को गल करेक्ट करते हैं और वीडिंग आउट में जो वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं उन्हें हम हटा देते हैं तो ये भी हमें बच्चों को प्रैक्टिस देनी चाहिए हमें क्या करना चाहिए हम बच्चों को एक टेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड डाल के दे दें और फिर उन बच्चों से कहें कि इसमें जो वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं उन्हें यहाँ से हटा दो लाइक like जैसे दिस एग्जाम्पल से हो समाइम्स आई वॉज़ होल्ड अ क्लास टू विद द डंकीज़ तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं आई वॉज़ होल्ड दिस इज़ रॉन्ग सो इट शुड बी समटाइम्स आई होल्ड a क्लास टू और with दोनों एक साथ आए हुए हैं so सो we वी शुड नो विच प्रपोजिशन विल बी यूज So सो ऐसी हम बहुत सारी टेक्स्ट बना लें जो हम स्टूडेंट्स को दें ब्लैक बोर्ड पर लिख दें अलग अलग वर्कशीट इसकी बना दें लर्नर से भी बनवा सकते हैं आप बच्चों को पेज या कोई छोटा सा पैसेज दे दें चार सेंटेंस दे दें दो सेंटेंस दे दें और बच्चों से कहें कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा

बी ई जी बैग तो बी ई जी बैग में डबल जी कब होता है तो ये थोड़े हमारे रूल्स हैं इनको थोड़ा सा हम समझेंगे कि जब भी एक ही सिलेबल का वर्ड हो और वो एंड कर रहा हो सिंगल कंसोनेंट से तो उस कंसोनेंट को हम डबल कर देते हैं मतलब एक छोटा वर्ड है जिसके लास्ट में एक कंसोनेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे उस कंसोनेंट को डबल कर देंगे जब हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे या थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे या हम आई फॉर्म करेंगे आई ऐड करेंगे नव विल बी लर्निंग सम अदर स्किल्स ऑल्सो फॉर राइटिंग तो अभी हमने देखा कि कैसे जो राइटिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है अब हम थोड़ा अलग अलग तरह की राइटिंग स्किल्स पे बात करेंगे सो तो सबसे पहले हम पैराग्राफ राइटिंग पे बात करेंगे सो पैराग्राफ राइटिंग में सबसे पहले बात तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक पैराग्राफ में हमने एक ही पॉइंट लेके चलना है अगर हम किसी चीज़ के एडवांटेजेस बता रहे हैं तो एक पैराग्राफ में वील टॉक ओनली अबाउट एडवांटेजेस नॉट डिसएडवांटेजेस सो सबसे पहला है पैराग्राफ की पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि वी टॉक ओनली ऑफ वन थिंग एट अ टाइम नेक्स्ट है कि जो गुड एक्सरसाइज एक्सप्रेस आप अपनी बातों को जो आप कहना चाह रहे हो पहले उस सबको उतार लो जो भी आपको लगता है उससे रिलेटेड आपको बात करनी है तो उसको सिंपल लैंग्वेज में आप उतार लें और उसे उतारने के बाद आपको जो लगता है कि अब इसके बाद क्या आएगा इसके बाद क्या आएगा उसकी सिक्वेंसिंग कर लें और जो चीज़ें उन्हें लगता है कि दे आर नॉट रेलिवेंट उनको वहाँ से हटा दें सो पैराग्राफ लिखते समय सबसे पहले आप ये बात समझें कि एक पैराग्राफ में एक आइडिया आएगा दूसरा आप उसके आपको उस पॉइंट से लेके जो भी विचार आ रहे हैं यू राइट देम डाउन इन सिंपल लैंग्वेज उसके बाद उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें कि पहले मैं ये बात करूँगी इसके बाद मैं ये बात लिखूँगा और उसके बाद उसे सिंपल लाइन लैंग्वेज में उसे एक के बाद एक लिख दें और पैराग्राफ का हमारी एज के हिसाब से जैसे अगर हमारा क्लास फोर्थ का बच्चा पैराग्राफ लिख रहा है या क्लास सेवन का बच्चा लिख रहा है तो उसके जो साइज़ होगा वो छोटा होगा लेकिन अगर क्लास एलेवन का बच्चा पैराग्राफ लिख रहा है तो दिस पैराग्राफ कुड बी फॉर हंड्रेड वर्ड्स ऑल्सो इवन मोर देन हंड्रेड वर्ड्स सो तो पैराग्राफ पे जब हम टीचर को जिस जिस लेवल के बच्चे को सिखा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग उसी लेवल से हमारे जो साइज़ है पैराग्राफ का वो वेरी करेगा सो so, ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास इलेवन का बच्चा हंड्रेड वर्ड्स का पैराग्राफ लिख रहा है तो क्लास फोर्थ का बच्चा या क्लास सिक्स का बच्चा भी हंड्रेड वर्ड्स का ही लिखे मे वी दे मे राइट ओनली फॉर फोर्टी वर्ड्स सो थ्री फोर सेंटेंसेज आर सफिशेंट फॉर देम टू राइट अ पैराग्राफ अब पैराग्राफ में सबसे आसान तो एक क्योंकि एक ही आइडिया लेके चलते हैं तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू द आइडिया दूसरा बात है कि जब हम राइटिंग का हम काम कर रहे हैं हमें टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है और टॉपिक को मेंटेन करते हुए आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हुए और एडिटिंग का जो अभी हमने सीखा कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कैप्टन माइंड फॉर ऑर्डरिंग फॉर सिक्वेंसिंग फॉर एडिटिंग फॉर वीडिंग आउट उन सब चीज़ों को हम पैराग्राफ राइटिंग पर भी लागू करेंगे अब हम अगली स्किल पे आएंगे सो पैराग्राफ राइटिंग में आपने देखा बहुत मुश्किल काम नहीं है कोई भी बात पे आपको पैराग्राफ लिखना है सपोज फेस्टिवल्स इन आ कंट्री एक छोटा सा आपको टॉपिक मिला और आप क्लास फिफ्थ में हैं या फिफ्थ के बच्चों को सिखा रहे हैं तो फेस्टिवल से रिलेटेड वर्ड्स बच्चों को बताएंगे और फिर उनसे कहेंगे कि उनसे रिलेटेड जो बात उन्हें आती है वो लिखें और उनकी फिर वो सिक्वेंसिंग करेंगे जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी उस स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करेंगे तो आप अलग अलग टीम्स बना सकते हैं कि एक टीम ये काम करेगी या टीम ये काम करेगी और उस टीम के हिसाब से वो बच्चे अपना काम सीख जाएंगे एंड नेक्स्ट टाइम वी कैन हैव रोल रिवर्सल्स कि जिस टीम ने एडिटिंग की है वो टीम दूसरा काम करेगी और इसके साथ अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम फिर से मिलेंगे लेटर राइटिंग और बहुत सारे दूसरे फॉर्मेट्स को लेके सो so, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए धन्यवाद

वेलकम लर्नर्स होप करती हूँ कि आप इस दो मिनट का आपने सदुपयोग किया होगा और हम वापस जुड़ते हैं और इस समय हम वापस ज्वाइन करते हैं लेटर राइटिंग के लिए सो लेटर राइटिंग दरअसल एक अपने आप में राइटिंग की एक बहुत बड़ा एक विधा है और लेटर राइटिंग हमारे बहुत काम की चीज़ें हमारी बहुत सारी जो रिक्वेस्ट होती हैं ऑफिसर्स को हो हमारी कंप्लेन होती हैं उन सबको हम लेटर राइटिंग के माध्यम से आगे पहुंचाते हैं हमारे कंप्लेंट लेटर्स हैं अगर हमें सामाजिक कोई व्यवस्था के विषय में बात करनी है तो हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं हमारे इनविटेशन लेटर्स हैं देन हमें कोई इंक्वायरी लेनी है तो देर आर इंक्वायरी लेटर्स सो अगर हमें कहीं एडमिशन चाहिए हमें जॉब एप्लीकेशन देनी है हमें कोई ऑर्डर प्लेस करना है सो so, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए लेटर राइटिंग हमें सीखनी होती है और हमें अपने लर्नर्स को लेटर राइटिंग बहुत अच्छे से सिखानी होगी और हालांकि धीरे धीरे लेटर राइटिंग कम होता जा रहा है और गर्ल्स को एजुकेशन पहले लेटर राइटिंग के लिए ही दी जाती थी सो दैट वेन दे गो वन दे गेट मैरिड एंड दे कैन एटलीस्ट राइट अ लेटर ऑफ अबाउ अबाउट देयर हैप्पीनेस और सम प्रॉब्लम्स टू देयर फैमिली सो लेटर राइटिंग हालांकि आज थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक ऑल दीज थिंग्स एडवर्टीजमेंट्स एंड एवरी थिंग बट आज भी लेटर्स लिखे जाते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम आज भी कम्पलेंट लेटर लिखेंगे सो लेटर राइटिंग के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा एक तो लेटर राइटिंग एक फॉर्मल स्टाइल uh, है फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल है तो जो हम इस्पोकन में कर सकते हैं सपोज आपका एक कंप्लेंट है आपका आपने नया टीवी लिया और वो ठीक से काम नहीं कर रहा आप कंप्लेन कर रहे हैं आप फ़ोन उठाते हैं और उस शॉप के मैनेजर से बात करते हैं मे बी यू यूज़ सम लैंग्वेज विच इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट बट देन इट्स टू सम इट्स ओके बट वैन यू राइट इट इज़ नॉट एट ऑल ओके तो आप जब रिटर्न में आप बात कर रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज क्योंकि वो एक सबूत भी होती है और दूसरा आप किसी को जब लेटर लिखते हैं आपकी लैंग्वेज बहुत पोलाइट होनी चाहिए आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला ऑफेंसड ऑफेंडेड फील ना करे एंड वो आपके काम करने में आपका साथ दे इसमें हमें स्लैंग्स नहीं बोलने चाहिए इसमें हमें कोई भी ऐसे जारगोन्स ऐसे कोई किसी खास फील्ड के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि सपोज़ आई एम अ लॉयर आई मे नो इट बट जैसे अगर मैंने टीवी के लिए की है तो जो टीवी पे मैनेजर बैठे हैं उनको हो सकता है वो टर्म समझ ना आए

तो लेटर में हमें कुछ फॉर्मेट के हमारे आस्पेक्ट्स हैं विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को कहाँ लिखें कौन सी हर हर एक बात के लिए स्पेस बनी हुई है सो सेंडर्स एड्रेस सो ये सारा आजकल तो सेमी मार्जिन पे लिखा जाता है आप समझते होंगे इस बात को कि सेंडर जो भेजने वाला है मतलब आप उनका एड्रेस सबसे पहले आएगा सो दैट द पर्सन नोज कि ये लेटर लिखा किसने है उसके बाद डेट लिखी जाएगी उसके बाद हम लिखेंगे ये लेटर मिलने किसको वाला है से इट्स अ फॉर्मल लेटर देन द प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे नाम मतलब उसकी पोस्ट लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि उसका एड्रेस क्या है से द प्रिंसिपल एंड देन द नेम ऑफ द स्कूल एंड द एरिया विच द स्कूल इज अगर आप एक लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख रहे हैं टू म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर देन यू विल राइट से कमिश्नर एंड देन बिच एबल म्युनसपैलिटी यू आर टॉकिंग अबाउट सो उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे देन यू विल हैव सेलुटेशन्स सैल्यूटेशन का मतलब है आप लिखेंगे कि वो सर है मैडम है ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे सो so, सैलुटेशंस लिखेंगे सैल्यूटेशन के बाद आप उसका पूरा डेट लिखेंगे सैलुटेशन दैन राइट सब्जेक्ट एंड देन यू विल राइट द कंटेंट ऑफ द लेटर और पूरा लिखने के बाद आप उसको सेलूटेशन में थोड़ा सा हम फॉर्मल हम लिख रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम नॉर्मली इंग्लिश में वी डोंट राइट रिस्पेक्टेड वी नॉर्मली राइट डियर सर ऑब्लिक मैडम और ओनली मैडम सो और मिस्टर और मिसेस विद द फर्स्ट नेम और विद द सर नेम सो सेलुटेशन शुड बी करेक्ट एंड देन वी शुड राइट द डेट करेक्टली और हम सब्जेक्ट में ये ज़रूर बता दें वॉट आर वी राइटिंग फॉर क्योंकि इससे क्या आसानी होती है जो मैनेजर है वो उसको जिस व्यक्ति उस फील्ड से रिलेटेड है उसको वो पॉइंट आउट कर देगा और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगा सो सब्जेक्ट शुड भी क्लियरली डिफाइन फिर आप उसकी टेक्स्ट लिख देंगे टेक्स्ट में आप कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ में डिवाइड करें टेक्सट को पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस करेंगे यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऑल्सो देन यू ऑल्सो इंट्रोड्यूस द प्रॉब देट यू आर फेसिंग एफ इट्स ए कम्प्लेंट लेटर और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप चाहेंगे आप लिखेंगे कि आप चाहते क्या है वॉट डू यू वॉन्ट फ्राम द कंपनी और अगर ये स्कूल की किसी ऑफिसर की प्रॉब्लम है के साथ कम्प्लेंट लेटर है तो वॉट इज़ द सोल्यूशन यू आर वेटिंग फॉर सो आप कम्प्लेंट का पहले पूछेंगे कि क्या पहले कम्प्लेंट बताएँगे एंड देन यू विल टेल द सोल्यूशन फॉर द कम्पलेंट और उसके बाद आप फॉर्मेट के करेंगे उसके लेटर के साइन ऑफ करेंगे साइन ऑफ़ में आप थैंकिंग यू या थैंक्स और फिर किसके लिए लिख रहे हैं सिंसियरली लिखना है सिंसियरली योस लिखना है योस फेथफुली लिखना है या केवल योस लिखना है योस ट्रूली लिखना है इट विल ऑल डिपेंड ऑन द ऑडियंस सो अगर हमने लेटर राइटिंग करना है एक और टीचर्स को मैं एडवाइज करूँगी कि लेटर राइटिंग हमें होमवर्क में नहीं देना पहले अगर हम से प्लेसिंग द ऑर्डर सिखा रहे हैं तो वी शुड गिव देम नंबर ऑफ़ लेटर्स वेयर द ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड फॉर डिफरेंट आइटम्स तो बच्चों को कुछ लेटर्स पढ़ने के लिए ज़रूर दें और ये ग्रुप वर्क कराएं, एक्टिविटी वर्क कराएं एंड देन आस्क देम कि इस लेटर में आपने कौन से वर्ड्स देखे कौन सा एक्सप्रेशन आपको पसंद आया इसका फॉर्मेट क्या है So, this is how they will be able to internalize the basic concept behind a particular uh, letter. or agar you letter a letter, complaint letter, letter to editor, you will sare many modules or sample letters. Without that, they will keep on copying because letter writing or any way, any kind of letter uh, writing is a process. So, we should teach it as a process only. And not as a product. Otherwise, what will they do? They'll go home, ask some elder one, ask their tutor or somebody to write, or they'll copy it from the uh, book, and then they'll never be able to learn. Or they'll be afraid letter writing. Then we come to next format, and that is also there in the syllabus in class tenth and 9th and maybe for junior classes from primary classes also. बिकॉज दैट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ़ डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स वी कैन हैव वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग दैम हाउ टू राइट अ स्टोरी सबसे पहला तरीका हो सकता है कि हम उनको कुछ पिक्चर्स दिखा दें और उन पिक्चर्स का हम उनसे नाम पूछ सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है इसका क्या नाम हो सकता है फिर हम उनसे कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर की क्या काम कर सकता है क्या इसका क्या काम हो सकता है और इसके प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती हैं तो so, इस तरह से ग्रेजुअली वी कीप ऑन गिविंग देम सम क्वेश्चन एंड वैन दे आंसर दोज क्वेश्चन दे आर एबल टू गेट अ फुल फ्लैज स्टोरी सो हम कोई पिक्चर्स दे सकते हैं एंड देन बेस्ड ऑन द पिक्चर्स वी कैन गिव देम सम क्वेश्चन से दीज आर थ्री पिक्चर्स है सो वी कैन गिव देम वन एक्टिविटी वन टास्क वॉट इज़ द नेम ऑफ पिक्चर ए पिक्चर बी पिक्चर्स सी Then next we can say what may be the age of the character in picture A, B, C. And then and we can have three groups, each group will answer the question asked by you. Then we can ask what can be the background, what can be the education of the character in a particular picture, what kind of problems may he might be facing, and how can that problem be solved. So, our pictures, One picture. Mein. एक ही स्टोरी में एक ही कैरेक्टर हो सकता है मे बी सम फर्स्ट आस्पेक्ट आपका हो गया एक्टिविटी का सेकेंड आस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं इसी को और आगे बढ़ा सकते हैं आप रादर देन हैविंग वन कैरेक्टर यू कैन देम टू राइट अबाउट टू कैरेक्टर्स हाउ दे मैट व हाउ दे डिसाइडेड टू लिव टुगेदर और हाउ दे बिकेम एनिमीज हाउ दे बिकेम फ्रेंड्स सो समथिंग लाइक दैट कैन बी गिवेन एज अ क्वेश्चन एंड वाइल आंसरिंग दैट दे विल बी एबल टू राइटर्स स्टोरी देन कुछ पिक्चर्स और दे सकते हैं और उन पिक्चर्स पे उनको थोड़ी ब्रेन स्टॉमिंग करें जैसे ये हमने बहुत सारी हमारे पास पिक्चर्स हैं इन पिक्चर्स को दिखा के हम लर्नर से पूछ सकते हैं कि इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है इसका एक राइटिंग एस्पेक्ट हो सकता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो उन्हें दिख रहा है केवल वो उसको ही बताएं और उसी को डिस्क्राइब करें दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर विजिबल दे मे राइट अ रिपोर्ट और दे मे राइट अ स्टोरी सो एक ही चीज़ से अलग अलग तरह के राइटिंग टास्क भी कराए जा सकते हैं सो दीज पिक्चर्स कैन बी टेकन फ्रॉम न्यूज़ पेपर फ्राम मैगज़ीन बच्चों की बुक से भी आप पिक्चर्स ले सकते हैं उनकी प्रीवियस क्लासेस की जो बुक्स हैं उनसे पिक्चर्स ले सकते हैं सो so, पिक्चर्स से जब हम लिखना सिखाते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स पिक्चर के थ्रू हमारे पास आ जाते हैं सो पिक्चर्स के थ्रू हम राइटिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स बहुत सारे फॉर्मेट्स अलग अलग सिखा सकते हैं सो दिस इज़ वॉट वी शुड डू वेन वी आर टीचिंग देम राइटिंग स्टोरी और राइटिंग पैराग्राफ और राइटिंग रिपोर्ट एंड देन वी इफ़ वी डोंट फील कम्फर्टेबल इन गिविंग पिक्चर्स इफ़ वी डोंट हैव वेरी मेनी पिक्चर्स विद अस तो हम क्या कर सकते हैं हम उन्हें कुछ कनेक्टेड वर्ड्स दे सकते हैं हम उनकी क्लास के हिसाब से कुछ छोटे छोटे वर्ड्स दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि इन वर्ड्स को मिला के आप एक स्टोरी बनाएं और हो सकता है कुछ एक स्ट्रक्चर दे दें एक क्लू दे दें कि वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द किंग वाज गोइंग एंड देन द चिल्ड्रन विल कंटिन्यू सो आप एक स्टोरी के लिए पिक्चर्स दे सकते हैं आप एक स्टोरी के लिए वर्ड्स दे सकते हैं यू कैन गिव देम क्लूज ऑल्सो और आप क्या कर सकते हैं स्टोरी के लिए ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इन पॉइंटर्स को एक पेज पे लिख दें और बच्चों को ये वर्कशीट दे दें और हर पॉइंटर के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दें तो सबसे पहले आस्क के दिन दो कैरेक्टर्स दैट दे थिंक दे आर गोइंग टू यूज़ तो हु में दे विल इन द ग्रुप इट्स गोइंग टू बी ए ग्रुप एक्टिविटी या हद से हद पेयर एक्टिविटी इंडिविजुअली इसे अभी ना कराएं तो आप क्या कर सकते हैं कि में द चिल्ड्रन विल राइट द कैरेक्टर कि भाई ये किसके ऊपर है कहानी फिर ये कौन सा टाइम की कहानी है वॉट हैपन वाई इट हैपन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की और उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने एंड कैसे किया सॉल्व कैसे किया एंड फाइनली वॉट हैपन टू दैम सो अगर हम एक छोटे छोटे पॉइंटर्स उनको दे दें तो दे मे राइट देयर ओन शॉर्ट स्टोरीज दे मे बी ओनली फिफ्टी वर्ड्स Long, or for senior classes or for class 7th and 8th they may be 100 verse story, but what is important is that they should have the idea how to write a story. So, story likhna hum achche se sikha sakte if we are uh, using any of these activities. Ab hum agli format pe aate hai, that is notice writing. Notice writing is also very important because we have to write notices. फॉर पीपल फॉर द जनरल ऑडियंस और वो नोटिस हम कैसा लिखें ये स्कूल में भी बहुत सारे नोटिस हमें लिखने पढ़ सकते हैं जैसे वी आर द इंचार्ज ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप वी आर द लीडर ऑफ ए ग्रुप हम गेम्स में कैप्टन हैं और हमें अपने ग्रुप मेम्बर्स के लिए कुछ लिखना है तो हम एक नोटिस लिख सकते हैं तो नोटिस में सबसे पहले हम जो, जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखेंगे उसके नीचे हम नोटिस वर्ड लिखेंगे फिर हम ये बताएंगे कि ये नोटिस है किस बारे में हेडिंग और हेडिंग लिखने के बाद हम डेट डालेंगे सो दैट पीपल शुड नो कि ये नोटिस कितना पुराना है कब लिखा गया था कई दफ़ा नोटिस नोटिस बोर्ड पे लगे रह जाते हैं इफ़ द डेट इज़ नॉट रिटन पीपल माइट गेट कन्फ्यूज तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी हैव रिटन द डेट ऑल्सो देन वी हैव टू राइट वाई और वो मेन बॉडी जो है कि क्या होने वाला है इवेंट क्या है उसकी डेट क्या है उसका वेन्यू क्या है और उसके टाइमिंग्स क्या हैं और उसमें अगर कोई कंडीशन है कोई आस्पेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि आपको आधार कार्ड ले कर आना है या कोई और डॉक्यूमेंट आपने मंगाना है तो वी कैन आस्क देम टू राइट यू सो मेन बॉडी में हमें नेसेसरिली बताना है क्या होना है कब होना है कैसे होना है कहाँ होना है और किसको कांटेक्ट करना है सो नोटिस राइटिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और नोटिस राइटिंग के थ्रू हमने इसके प्रॉपर एस्पेक्ट को मेंटेन करना है और उसी के हिसाब से हमने आगे बढ़ना है सो नोटिस राइटिंग में हमें हर छोटी से छोटी बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ये अभी हम पिक्चर्स की बात कर रहे थे हम ऐसे राइटिंग की भी बात करेंगे सो so, ऐसे राइटिंग में हम जैसे अगर आता है पॉल्यूशन पे आता है नेचुरल डिजास्टर पे आता है तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि पॉल्यूशन पे एक ऐसे लिख दो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन शो देम अ पिक्चर और उस पिक्चर को लेके थोड़ी ब्रेन करें क्लास में उन्हें वोकेबलरी दें देन ऑर्गेनाइज द वोकेबलरी और ऑर्गेनाइज होने के बाद आप पैराग्राफ राइटिंग में तो हम केवल एक पैराग्राफ लिखते हैं पर ऐसेज में ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ हम लिखते हैं सो so, पैराग्राफ से थोड़ा हायर लेवल का हमारा राइटिंग स्किल है और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने पिक्चर दिखाई उस पिक्चर जैसे अभी हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी तो उस पिक्चर को दिखाने के बाद हम इन ऑर्डर टू करेक्ट मोर एंड मोर वर्ड्स हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछें उनसे हम बोलें कि ये चीज़ देख के आपको क्या बात याद आती है और इस डिज़ास्टर में क्या होता है तो विल सटनली बी गेटिंग मोर एंड मोर वर्ड्स तो बहुत सारे वर्ड्स हमें मिल सकते हैं वेन वी टॉक अबाउट वेन वी आस्क क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर्स गिवन टू देम और ये पिक्चर्स भी आसानी से न्यूज़ पेपर वग़ैरह में मिल सकती है उनकी कोर्स बुक में भी हो सकता है कोई लेसन हो और वहाँ से भी आप उस पिक्चर को ले सकते हैं एस एस जी की बुक्स में भी ये पिक्चर्स होती हैं और पिक्चर को डिस्क्रिप्शन के भी थ्रू हम कोई भी ऐसे राइटिंग करा सकते हैं जैसे कोई फेस्टिवल है फेस्टिवल पे बहुत सारे वहाँ पे पिक्चर्स अगर हमने दिखा दी सो एंड देन वी आस्क देम क्वेश्चन व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट आर द पीपल डूइंग एंड आफ्टर दैट व्हाट माइट हैव हैपन व्हाट डू यू थिंक हैज़ मस्ट हैव हैपन बिफोर इट सो आप कोई फेस्टिवल की कोई ओकेजन की कोई इवेंट की पिक्चर्स लोगों को बच्चों को दिखा सकते हैं एंड देन आस्क देम द क्वेश्चन द वे द क्वेश्चन आर यून यर एंड देन दे कैन राइट एंड एस ऑन दोज टॉपिक्स, फेस्टिवल पे या ये कर सकते हैं क्लास में छः ग्रुप्स बना दें पांच ग्रुप्स बना दें और हर ग्रुप को एक अलग फेस्टिवल बता दें और उस फेस्टिवल की पिक्चर्स उन्हें दे दें और फिर ये वाले क्वेश्चन पूछ लें सो क्वेश्चन विल बी द सेम बट द आंसर्स विल बी डिफरेंट से एक पिक्चर में दैट इज़ अ पिक्चर फॉर डिस्क्राइबिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली सो पीपल दे आर Uh, enjoying crackers and candles and sweets and new dresses, cleanliness is there in the house. So different pictures are there. So when we say what happened, whatever you see the picture, uh, the people are doing, you can answer that as uh, the answer to the question. So in this way, we see that many articles, many essays, many paragraphs, pictures through, or picture just picture ke questions are also सो दैट दैट पिक्चर बिकम्स मीनिंगफुल तो हम इन्हें आर्टिकल्स वग़ैरह लिखना सिखा सकते हैं और उसके अलावा हम उनसे वर्ल्ड वेब बनवा सकते हैं एक वर्ड जैसे चाइल्ड लेबर की हम बात करें सनराइज की बात करें डिजास्टर की बात करें पॉल्यूशन की बात करें गर्ल चाइल्ड की बात करें जो कॉमन टॉपिक्स हैं उन टॉपिक पर हम उनका वर्ल्ड वेब बनवा सकते हैं सेंटर में हम वो वर्ड लिखें और बच्चों से हम कहें कि इससे रिलेटेड जो भी वर्ड आपको दिमाग में आते हैं यू राय दोज वर्ड्स और फिर वो जब जैसे वाटर कंजर्वेशन आजकल टेम्परेचर की प्रॉब्लम चल रही है वाटर कंजर्वेशन की बात हो रही है सो वाटर कंजर्वेशन हम सेंटर में लिख दें एंड देन वी इन्वाइट द चिल्ड्रन टू गिव मोर एंड मोर ऑप्शन फॉर दिस फिर हम इसी तरह से एक कोऑपरेटिव स्टोरी भी लिखना सिखा सकते हैं कोऑपरेटिव स्टोरी में हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन हैव अ बिगिनिंग विद द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और इसकी थोड़ा हिस्सा एक ग्रुप लिखेगा और जैसे अगर हमने पांच ग्रुप बनाए और हमने पांच स्टोरीज ली तो हर ग्रुप एक स्टोरी का एक पहला उन्होंने सबने शुरुआत लिखी देन दे पास दिस स्टोरी टू अनदर ग्रुप दूसरा ग्रुप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन राइट द सेकेंड आस्पेक्ट ऑफ दैट स्टोरी फिर वो थर्ड ग्रुप पे जाता है थर्ड ग्रुप उस प्रॉब्लम को थोड़ा हाईलाइट करता है और थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता है पिक्चर को एंड देन इट गोज़ टू द फोर्थ ग्रुप फोर्थ ग्रुप उसको सॉल्व करके लाता है कि ना इफ हैड इट दिस बीन द प्रॉब्लम दिस कुड बी द दोल्यूशन और वो सोल्यूशन के पॉइंट्स लिखते हैं और उसके बाद लास्ट ग्रुप पे आता है और वो ग्रुप एंड uh, करता है स्टोरी को देन इट फाइनली गोज टू द टीम दैट बिगेन इट और तब वो अपनी स्टोरी को पढ़ते हैं एंड देन दे ट्राई टू नो वेदर इट इज़ द काइंड ऑफ स्टोरी दैट दे इमेजिन क्या उन्होंने सोचा था इसी तरह की स्टोरी का या ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गई या ये थोड़ी डिफ़िकल्ट स्टोरी बन गई ये हम पता लगा सकते हैं तो इस तरह से क्या होगा सभी बच्चे इन्वॉल्व होंगे और सभी अलग अलग एस्पेक्ट लर्निंग के या स्टोरी राइटिंग के सीख पाएंगे और उनको बहुत मज़ा भी आएगा जब वो दूसरे की स्टोरी में इंटरफेयर करेंगे अपनी मर्ज़ी से उस स्टोरी को आगे बढ़ा के जाएंगे सो दैट वुड बी अ ग्रेट फन इन द क्लास तो अभी हम आ, 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 आर्टिकल वगैरह की बात कर रहे थे तो आर्टिकल में हमने क्या करना है वर्ड वेब्स बनाना है उससे रिलेटेड वर्ड्स हमने देखने हैं अब जब हम कभी स्टोरी की बात करें या हम आर्टिकल या आ, ऐसे की बात करें तो हमें ये समझना होगा कि इससे हमारा तात्पर्य क्या है जैसे कि अगर हमने एनवायरनमेंट पे हम लिख रहे हैं तो उसको हम रेस्ट्रिक्ट कहाँ करेंगे एनवायरनमेंट में क्या हम केवल नॉइज़ की बात करेंगे केवल वाटर की बात करेंगे या केवल सराउंडिंग्स की बात करेंगे या हम किसी तरह के खास एनवायरनमेंट की बात करेंगे सो दैट हैज़ गॉट टू बी वेरी क्लियर टू द राइटर देन हम जब इवेंट पे हम इवेंट भी डिस्क्राइब कर सकते हैं सो so, जो हम इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे तो हम ऐसे ही कोई इवेंट की पिक्चर भी दिखा सकते हैं और उस इवेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन ले सकते हैं सपोज इट्स एन इवेंट ऑफ बर्थडे इट्स एन इवेंट ऑफ मैरिज और सम ओकेजन स्कूल का कोई फंक्शन है कोई सिटी का फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं इवेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं वर्कशीट पर लिख के बच्चों को दे सकते हैं और ग्रुप में हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि दे में राइट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन दिस इज़ हाउ विल बी टीचिंग दैम डिस्क्रिप्शन विल बी टीचिंग दैम हाउ टू राइट रिपोर्ट विल बी टीचिंग दैम हाउ टू राइट एन एस ए तो एक ही तरह से हम काम करके क्योंकि बेसिक राइटिंग स्किल हमें डेवलप करनी है सो so, हम अलग अलग फॉर्मेट की चीज़ें भी डेवलप कर सकते हैं और जितनी भी चीज़ें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की बातें करते हैं औरिजिनेलिटी की बात करते हैं उनको भी हम अलग अलग आस्पेक्ट से सिखा सकते हैं और अगर हम एक और चीज़ कर सकते हैं हम उन्हें कुछ बिगिनिंग सेंटेंस दे दें कि इट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ आई कैन नेवर फॉरगेट दैट सो इट अपीयर्स दैट सो हम क्या कर सकते हैं आई रियली नीडेड हेल्प वेन सो वी कैन गिव अगिनिंग और आई वाज फ्राइटन व्हेन आई सॉ सो वी कैन गिव अ क्ल्यू टू देम सो दैट दे कैन राइट द होल राइटअप और डायरी और रिपोर्ट

बहुत साल बाद लोग भी इसे पढ़ के समझ सकते हैं सो दूसरा राइटिंग में कोई हेर फेर बाद में नहीं कर सकता कोई ये नहीं कह सकता आपने ये लिखा था जैसे बोलने में हम कह सकते हैं कि बोलने में हम कह सकते हैं कि नहीं भाई मैंने ये नहीं कहा था ये आपने ये कहा था पर लिखने में हम इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं दूसरा हैंड राइटिंग की इम्पॉटेंस क्या है हैंड रिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे जब हम हैंड रिइटिंग सिखाते हैं तो मैं सबसे पहले बच्चों को केवल सिंपल ऐसे ही जो भी वो बच्चा ड्रॉ करना चाहे गोल सीधा कुछ भी उसे फ्री हैंड राइटिंग फ्री ड्राइंग करानी चाहिए उसके बाद उसको स्ट्रेट लाइन करानी चाहिए फिर उसके बाद आड़ी लाइनें करानी चाहिए फिर स्लैंटिंग लाइनें करानी चाहिए उसके बाद कर्व्स करानी चाहिए फिर सर्कल कराने चाहिए और जिस तरह की हम लाइन सिखा रहे हैं उसी तरह के लेटर्स उसको सिखाने चाहिए जैसे हम स्ट्रेट लाइन सिखा रहे हैं तो हम उसे आई लिखना सिखाएंगे जब हमने उसको आड़ी लाइन भी सिखा दी तो हम उसे टी लिखना सिखाएंगे एच लिखना सिखाएंगे, कैपिटल की अगर हम बात करें तो हैंड राइटिंग का स्पेसिंग सिखाएंगे उसको प्रॉपर लूप्स लगाना सिखाएंगे, प्रॉपर साइज सिखाएंगे स्पेसिंग सिखाएंगे और जब हमने बच्चों को अच्छे से राइटिंग सिखा दिया तो हम राइटिंग स्किल्स पे जाएंगे एक किसी भी अच्छे राइटअप के लिए जो भी बातें इम्पॉर्टेंट हैं जैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन उसकी ऑडियंस के बारे में बात करना उसका आ, कौन किस तरह का लेवल है ऑडियंस का ऑडियंस से कौन से मौके पे पढ़ने वाली है इसका पर्पस क्या है ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे और ये सब लिखने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे प्रॉपर तरीके से कि कौन सी बात पहले आएगी कौन सी बात बाद में आएगी ये हम लिखेंगे ऑर्गेनाइज करने के बाद डी उसको हम वीड आउट करेंगे जो वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं उन्हें हम हटाएंगे फिर हम उसको एडिट करेंगे एडिट करते समय हम चेक करेंगे कि कोई वर्ड गलत तो नहीं आ गया है, और उसके बाद एडिट करने के बाद पंक्चुएशन मार्क्स भी चेक करेंगे कि वी हैव यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स और नॉट और अब अगर हमें ये सब चीज़ें समझ आ गई कि हमने ठीक लिखे हमने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं की एर नहीं की तो हम फॉर्मेट देखेंगे कि जिस काम के लिए हम लिख रहे हैं जिस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं क्या वो इसी तरह की चीज़ों का लिखने का फॉर्मेट है एक और मैं पर्सनली बताना चाह रही हूँ सब टीचर्स को कि राइटिंग को एक हवा बना के ना दिखाएं बच्चों को राइटिंग को एक फन के रूप में सिखाएं एक एन्जॉयमेंट के रूप में सिखाएं सो दैट द चिल्ड्रन आर नोस केयर्ड ऑफ राइटिंग वो जब भी राइटिंग की बात आए तो बहुत खुश हो जाए सो टीचर हर सेल्फ और हिमशिल्फ शुड बी वेल प्रिपेयर्ड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अगर हम खुद वेल well प्रिपेयर्ड नहीं हैं अगर हमने पिक्चर्स नहीं कलेक्ट किए हैं अगर हमें पता ही नहीं हम क्या आस्पेक्ट सिखा रहे हैं तो नेचुरली वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद द राइटिंग सो दिस इज़ द वे वी लर्न अबाउट राइटिंग एंड विद दिस आई एंड माई लेक्चर टूडे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़ यू कैन आस्क द क्वेरीज ऑन द चनल Thank you so much for being with us and listening so patiently. आपने ज़रूर कुछ बातें समझी होंगी और हो सकता है इनमें बहुत सारी बातें आपकी क्लास में जब आप जाएंगे, जब आप अपने लर्नर्स को पढ़ाएंगे, जब आप खुद लिखेंगे तो हो सकता है बहुत सारी बातें इनमें से आपके काम आएँ आपके एग्ज़ाम के लिए तो काम आएंगी ही आएँगी पर आपकी अपने क्लास के लिए अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत सारी बातें इनमें से काम आएंगी और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप चैनल से आ, कर सकते हैं और इस तरह के और भी रिलेटेड टॉपिक पे हम आएंगे बहुत सारा और मटेरियल लेके अपनी अगली क्लासेस में और थैंक यू सो मच फॉर विद अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड हेयरिंग सो पेशेंटली एंड आई होप ऑल योर क्वेरीज़ रिलेटेड टू Our uh, writing might be over by now, and if they are still there, we will be meeting next time with more answers, with more topics, with more choices, with more fun. Thank you so much.